डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो अगेन एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए वन शॉट लेके आए हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। एज यू नो ठंड हो चुकी है, कल ही वीडियो डाली थी, तो बचाव करके रहना है, ठीक है, फैशन में कुछ नहीं रखा। तो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को वन शॉट में हम क्लियर करेंगे, सारे के सारे मेथड देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, सारी की सारी नेम रिएक्शन देखेंगे, सारे के सारे टेस्ट देखेंगे जो इस चैप्टर के अंदर हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए बेटा जी, ऐसा है, ये एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो ये कार्बोनिल फैमिली से आते हैं। किससे आते हैं? कार्बोनिल फैमिली से। कार्बोनिल फैमिली क्या होती है? कार्बोनिल फैमिली जिसमें कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो। क्लियर है? अगर मैं बात करूं इसके जो दो मेन है जिसपे हमें ज्यादा फोकस करना है, एक है एल्डिहाइड भाई, एल्डिहाइड, और दूसरा है कीटोन। पहला है एल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन। तो एल्डिहाइड क्या होता है? जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ और एक बॉन्ड पे एच लगा हो, एक बॉन्ड पे, दूसरे बॉन्ड पे एच भी हो सकता है, आर, आर मतलब अल्काइल अराइल, कुछ भी अल्काइल बोले तो जैसे कार्बन हो जाते हैं ना, सी एन एच टू एन प्लस वन, या फिर इसके अलावा बेंजीन भी हो सकता है। अगर हम बात करें कीटोन की, कीटोन क्या होगा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और बाकी जो दो बॉन्ड बचे उन दोनों बॉन्ड पे आर लगा होगा, एल्काइल लगा होगा, एराइल लगा होगा, कुछ भी लगा होगा, बट हाइड्रोजन नहीं लगा होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं किसी की फैमिली का एक और मेंबर भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप में, इसे किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। कुछ ऐसे होता है, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये OH, इस बॉन्ड पे कुछ भी हो सकता है। इस बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूं तो इस बॉन्ड पे कुछ भी, R वगैरह कुछ भी हो सकता है। आगे इसकी फैमिली होती है एसिड डेरिवेटिव्स बोलते हैं हमें, लाइक आपके पास सबसे पहले हो गया अमाइड। अमाइड किसे कहते हैं? जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे क्या लगा हो? NH2। एक होता है एसिड हैलाइड। क्या होता है? एसिड हैलाइड, उसमें क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे लगा होगा X। नेक्स्ट होता है एस्टर, एस्टर जिसमें क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे लगा होता है OR, और एक बॉन्ड तो बचा ही हुआ है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेन बेटा जी यही होते हैं, बाकी सबसे ज्यादा फोकस हमने एल्डिहाइड पे करना है, कीटोन्स पे करना है, और थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम लोग देखेंगे लास्ट में, क्योंकि क्या है मेरे मोबाइल में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है कि ज्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं बना सकता हूं, तो शायद पॉसिबल है कि इसमें मैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को ही कवर करवा पाऊं, कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मैं अलग से करवा दूंगा आपको। तो देखिए, अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो वो होता है सी एन एच टू एन ओ, सी एन एच टू एन ओ होता है। जैसे कि सर, जैसे हमारे पास हो गया सी एस थ्री सी एच ओ, ठीक है, या फिर हमारे पास तीन कार्बन वाला एल्डिहाइड हो गया सी एच ओ, इसके बॉन्ड पूरे कर दो एस थ्री एच टू, ये है एल्डिहाइड। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, देखिए अगर मैं इस एल्डिहाइड को लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं सी डबल बॉन्ड ओ एच। क्लियर है? इसको सी डबल बॉन्ड हो। अब देखो जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, एक तरफ बॉन्ड कार्बन से हो रहा है, एक तरफ बॉन्ड हाइड्रोजन से हो रहा है, एक तरफ हाइड्रोजन से होना ही चाहिए। अगर एक तरफ हाइड्रोजन से हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। अब देखो इसमें कार्बन कितने हैं? एक दो तीन। इसमें कितने हैं? एक दो तीन, कार्बन सेम है। हाइड्रोजन की बात करो तीन और तीन छह, तीन दो पांच और एक छह, ऑक्सीजन एक है, यानी फॉर्मूला सेम बन रहा है, बट डिफरेंस क्या है? जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इसमें एक तरफ कार्बन के साथ बॉन्ड है, इसमें दोनों तरफ कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो कार्बोनिल फैमिली है, जो सी डबल बॉन्ड हो गए, उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? वहां पे एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन होती है, याद रखिएगा आप लोग, क्या होती है? एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे तीन सिग्मा बॉन्ड है, तीन कौन से बॉन्ड है? सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, दिख रहा होगा, ये सिग्मा होते हैं और ये एक पाई है। पाई बॉन्ड किस किस के बीच में? कार्बन के बीच में एंड ऑक्सीजन के बीच में। अगर आप बॉन्ड एंगल की बात करोगे तो बॉन्ड एंगल कितना है भाई? बॉन्ड एंगल है यहाँ पे सभी का
120 डिग्री, सभी बॉन्ड पेयर का जो बॉन्ड एंगल होता है कार्बोनिल फैमिली में वो अप्रोक्स 120 डिग्री ही होता है, एंड ये सारे का सारा स्ट्रक्चर एक ही प्लेन में होता है, इसे हम लोग प्लेनर बोल देते हैं। क्लियर है। आगे बात करते हैं इनके नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, कि नोमेनक्लेचर का क्या फंडा है सर। देखिए हाँ, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो CHO को क्या बोलते हैं हम लोग, अल बोलते हैं। आई होप कि आपको नॉर्मल तो आता ही होगा, नॉर्मल नोमेनक्लेचर तो आपको आता है, और जो कीटोन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एक कार्बन कार्बन की एक चेन है, यहां पे लगा है CHO, आपने इसका नाम करना है, तो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनसे ही चेन स्टार्ट होती है, इनको आप चेन में लेते ही हो, तो इसका नाम क्या होगा, 1, 2, 3, तीन कार्बन है, तीन कार्बन क्या बोलेंगे, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है चेन में तो एन, एंड वन पे CHO लगा है तो वन अल। अगर ये कुछ ऐसे हो जाए, मान लो कि ये है, इसका नाम करना मैंने, तो इसका नाम क्या होगा, ये मेन यही होते हैं जहां पे खड़े होते हैं लाइन में से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, पहले नाम किसका करते हो, सब्स्टिट्यूएंट का, तो इसका नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो। चेन में कितने कार्बन है, 5 है ना, 5 क्या बोलेंगे, बैंड, और 2 पे डबल बॉन्ड है इन, एंड 1 पे CHO है तो 1 अल, इसका ए कट जाएगा। अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए, देखिए मान लो कि कुछ ऐसा हो गया, अभी फोकस करना मेरी बात पे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये मेन होते हैं, आपको इनको चेन के अंदर लेना पड़ता है, बट कई केसेस ऐसे जाते हैं कि आप इनको चेन में नहीं ले पाते, जैसे ये केस है, इसमें आप इसको चेन में नहीं ले सकते, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लो। वैसे मैंने हर एक का नोमेनक्लेचर अच्छे से करा रखा, आप लोग सर्च कर लेना, और ना मतलब लेंथ, मैंने हमेशा बोला है कि हम ज्यादा लेंथी वीडियो बनाने में बिलीव ही नहीं करते, हमारा बिलीव है कि जितना सफिशियंट रहे, बिल फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों का, तो अगर आप एल्डिहाइड कीटोन का सेपरेट नोमेनक्लेचर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बस प्रोपेन लिखना है, बाद में भारत पंचांग लिख देना है, तो साइक्लो तीन कार्बन क्या बोलेंगे, प्रोपेन, क्योंकि तीन कार्बन थे ना भाई, अब इसका कार्बन तो आप चेन में इंक्लूड ही नहीं कर पाए हो, तो ये तो बाहर ही रहेगा, अब इसका नाम कैसे करोगे, इसका नाम होगा वन, एंड CHO को इस टाइम बोला जाएगा कार्बल्डिहाइड। कब बोला जाता है इसे कार्बल्डिहाइड, जब आप इसके कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं करवा पाओगे तब बोलना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, जैसे आपके पास ये है सबसे फेमस, इसे क्या बोलेंगे, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, तो तीन कार्बन क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोपेनोन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोपेनोन। ठीक है, या फिर इसका दूसरा फेमस नाम है एसीटोन, क्या बोलेंगे, एसीटोन बोल सकते हैं इसे, या प्रोपेन टू ओन, जैसे कि मान लो ये है आपके पास, मान लो इसका नाम करना है हमने, तो क्या होगा, चेन सेलेक्ट करोगे सबसे पहले, तो ये चेन हो जाएगी भाई 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, चेन में कितने कार्बन है, 5, 5 को क्या बोलेंगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड है चेन में एन, और 2 पे कीटोनिक ग्रुप लगा है, पेंटेन 2, 4। क्लियर, अब एक इसका बेंजीन वाला बहुत फेमस है, जब क्या लगा होता है बेंजीन के साथ, CO CH3, इट इज कॉल्ड एसिटोफिनोन, क्या बोलते हैं इसे, एसिटोफिनोन बोलते हैं। क्लियर, और एक बेंजीन के साथ CHO लगा हो तो इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन के साथ अगर CHO लगा है, इट इज कॉल्ड बेंजाल्डिहाइड, ये फेमस है, तो नोमेनक्लेचर में ये देख लेना इंपॉर्टेंट है इनसे। अभी देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाएंगे कैसे, मतलब ये वो मेथड है जो कंबाइंड है, मतलब जिससे एल्डिहाइड भी बना सकते हो, कीटोन्स भी बना सकते हो, फिर हम वो मेथड देखेंगे जिससे सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं, फिर वो मेथड देखेंगे जिससे सिर्फ कीटोन बना सकते हैं, चलो देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, सबसे पहला मेथड है कि आप एल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दो, समझते हो ना, ऑक्सीडेशन के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो या हाइड्रोजन को कम कर दो, कुछ इस तरह से करना अपने। तो बेटा जी दो तरह से होती है, एक तो होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन बहुत बढ़िया तरीके से, तो उसके लिए हम बढ़िया वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, लाइक KMnO4, एसिडिक KMnO4, एसिडिक, ठीक है, हमने उसमें पढ़ा था D&F ब्लॉक में, जो पोटेशियम परमैंगनेट है या पोटेशियम डाइक्रोमेट है,
ये बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट आपने इनका यूज नहीं करना एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए, आपने यूज करना बेटा जी पीसीसी का। पीसीसी का, पीसीसी का मतलब क्या है? पिरिडिनियम, बहुत बार सुनने को मिलेगा ये वर्ड आपको, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या बोलते हैं इसे? पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, क्रोमेट, ठीक है। पिरिडिनियम, पिरिडिनियम बोलते हैं C5H5M को, इस तरह से होता है, ठीक है। क्लोरो मतलब यहां पे HCl भी होता है इसके साथ, और क्रोमेट का मतलब यहां पे CrO3 भी होता है। इट इज पिरिडिनियम क्लोरो क्रोमेट। आपने सिंपल पीसीसी लिखना है। ये एक फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन में क्या होगा समझिए, जैसे कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, क्या है? प्राइमरी अल्कोहल, तो उससे क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, उससे क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। और अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है तो वहां पे कोई इफेक्ट इश्यू नहीं करेगा, हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं, जैसे कि ये होता है CH3CH2OH, पता है ना प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो तो प्राइमरी है। तो अभी क्या कर सकते हैं लोग, यहां पर डालेंगे पीसीसी। पीसीसी क्या कर देगा? इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3CHO, क्या बन जाएगा? ये CH3CHO, ये दो हाइड्रोजन निकल गए। अगर हाइड्रोजन निकले है ना, वो भी ऑक्सीडेशन ही होती है, ठीक है, समझ रहे हो? यहां से इनको उड़ा दिया। अब समझो कि आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है CH3OH, ये कैसा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है। तो आपने इसकी इसमें क्या डालना है? पीसीसी डालना है और इसकी ऑक्सीडेशन कर देनी है, ठीक है। तो अगेन वही पार्शियल ऑक्सीडेशन करेगा, यहां से दो एच बाहर निकलेंगे, ये दो एच बाहर निकल जाएंगे, ये क्या बन जाएगा? CH3। ध्यान रखना बेटा जी, बहुत काम आएंगे आपके, ठीक है। और ये लास्ट चैप्टर है जिसका वन शॉट करना, उसके बाद ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से हो जाने वाले आपकी। तो ये बन गया आपका कीटोन, इस तरह बनाना था हमने, एल्डिहाइड और कीटोन बनाए थे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपके पास कभी ना कुछ ऐसा आ जाए, मतलब बेंजाइल अल्कोहल आ जाए या फिर एलाइल अल्कोहल आ जाए, मान लो बेंजाइल अल्कोहल है। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर लगा होता है CH2OH। एलाइल अल्कोहल क्या होता है? क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे जब OH लगा होता है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलाइल बोलते हैं। कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके आगे भी कार्बन हो सकते हैं, वो मैटर नहीं है। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे OH लगा है, ठीक है, बॉन्ड पूरे कर लो, H2H H2। तो यहां पे आप ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हो MnO2। MnO2 सिर्फ दो ही केस में यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, बेंजाइल अल्कोहल में एंड एलाइल अल्कोहल में, बेंजाइल में एंड एलाइल में। तो यहां पे आपने डाल दिया MnO2, इसकी ऑक्सीडेशन कर दी। तो क्या होगा? इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो ये जो OH लगा है इस कार्बन के साथ, ये क्या बन जाएगा? बेंजीन CHO। ये H से निकाल देने आपने, सेम फंडा इसके भी, ये H से निकाल देने, ये भी क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CHO, इस तरह से। अच्छा, कीटोन भी बनाया जा सकता है अगर आप चाहो बनाना, तब की बात है, मतलब अगर कुछ ऐसा हो, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3OH, ये भी एलाइल अल्कोहल है, मान रहे हो नहीं मान रहे हो? डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप है, तो यहां से निकलेगा, आपको क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2, इसकी ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और ये है CH3। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहली बात क्या कर सकते हैं भाई? ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने में क्या होगा भाई? आगे हमने करनी है डिहाइड्रोजिनेशन। क्या करना है हमने? डिहाइड्रोजिनेशन। नाउ व्हाट इज डिहाइड्रोजिनेशन? ये केमिस्ट्री का कमाल है ना, रेड मार्कर से कैसा बन गया डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन को निकालना है, और डिहाइड्रोजिनेशन करने के लिए अपना डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट लोगे, और वो होता है कॉपर। ये एजेंट याद करना। तो क्या होगा अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे? तो उससे बनेगा एल्डिहाइड,
क्या बनेगा? एल्डिहाइड। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे उससे बनेगा हाँ कीटोन, और अगर आप टर्शियरी अल्कोहल लोगे तो उससे बनेगा वही अल्कीन। कैसे अभी बता देना। देखिए जैसे आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है सी एच थ्री सी एच टू ओ एच है, आपने कॉपर लिया, कॉपर लिया तो फिक्स याद रखिए डिहाइड्रोजनेशन होगी। डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन निकलेगा एक तो इसका और एक पड़ोसी का, एच और एच बाहर निकले माइनस हो गया एच टू, ये क्या बच गया सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड ओ, क्या है ये एल्डिहाइड। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच थ्री, आपने इसमें कॉपर डाल दिया तो क्या होगा भाई? तो देखिए यहां से ओ एच जाएगा और जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसका एच जाएगा तो एच और एच बाहर निकले, क्या बन गया माइनस हुआ एच टू, ये क्या बन गया सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड ओ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं बेटा जी? कीटोन बोलते हैं। अगर आप वैसे टर्शियरी के साथ करने की जरूरत नहीं है बट यही है सर हमें तो करना है, जिद है, चलो कर लो फिर। सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच, आपने कॉपर लिया, डिहाइड्रोजिनेशन होगी, एच टू निकालना है तो एक एच तो इस ओ एच का जाएगा और एक किसका जाएगा, सिंपल समझो जिस कार्बन से ओ एच जुड़ा है तो उस कार्बन पे तो एच है ही नहीं, फिर पड़ोसियों को बलिदान देना पड़ेगा, इस पड़ोसी ने बलिदान दे दिया। ठीक है, ये बात नहीं बन रही, ठीक है, ये कुछ फंडा सा क्लियर नहीं होगा। तो ऐसे केस में ना डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होती, यहां पे डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है, तो ये निकलेगा ओ एच और ये निकलेगा एच, माइनस हो गया एच टू, ये बन गया सी एच थ्री, ये सी ये सी एच थ्री और ये सी एच टू डबल ओ। बेटे मैंने ना एक्सप्लेन चैप्टर भी डाल रखे हैं, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन वे में भी डाल रखा है, अगर आप चाहो तो एक्सप्लेन वे में भी देख सकते हो अगर आप किंतु परंतु में जाना चाहते हो, बट अगर आपका एम है बोर्ड में अच्छा स्कोर करना तो आप टू दी पॉइंट बात करके भी काम चला सकते हो, काम चलेगा नहीं काम जोड़ेगा वैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बाय ओजोनोलिसिस, बड़ा फेमस मेथड है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे इसके ग्रुप होते हैं, यहां पे कुछ अल्किन्स है ना, ये कुछ भी लगा सकते हैं यहां पे। तो सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन कराते हो O3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और कई बुक में लिखा हुआ है CH2Cl2, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो क्या होगा भाई, यहां पे ओजोन एक झोपड़ी बनाएगा, झोपड़ी बनेगी कुछ ऐसे, ये इसके पहले के खुद के बॉन्ड है। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे विद H2O एंड जिंक, तो क्या होगा ये बॉन्ड ना ऐसे क्लिप होगा, ये इस तरह से ये O इस H2 के साथ बाहर निकलेगा, माइनस हो जाएगा H2O2, और ये क्या बन गया, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, और एक्चुअल में हम यही बनाना चाहते हैं, कार्बोनिल ही बनाना है, एल्डिहाइड कीटोन वो बन जाएगा, क्लियर है? चलो नहीं समझ आ रहा मैं दोबारा समझाता हूं। अच्छा इसे बोलते हैं ओजोनाइड, ये जब O3 ऐसे लग जाता है इसे बोलते हैं ओजोनाइड। अभी समझिए मेरी बात को, जैसे कि आपको ये मिल गया सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे मैं बॉन्ड पूरे कर रहा हूं एच एच से, इसके बॉन्ड में पूरे कर रहा हूं सी एच थ्री सी एच थ्री, आपका जो दिल करे उससे बॉन्ड पूरे कर लेना, जो भी दिल करे। मैं आप सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, अभी देखो आपने क्या क्या यूज किया, पहले स्टेप में आपने ओ थ्री यूज किया विद सी सी एल फोर, और दूसरे स्टेप में आपने क्या यूज किया जिंक विद एच टू ओ। तो बेटा जी क्या होगा, इस बॉन्ड को क्लीव करो, ये होगा सी, यहां पे एच एच डबल बॉन्ड ओ लगा दो, यहां पे सी ये सी एस थ्री डबल बॉन्ड होगा, ये सिंपल सी ट्रिक है, ये बॉन्ड क्लीव करोगे और यहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन आप जोड़ दोगे, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड किसे बोलते हैं, जब कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, जब वो एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हो, एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो एल्डिहाइड, और अगर एक भी तरफ हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है तो वो है कीटोन, क्लियर है? ये है ओजोनोलिसिस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज नेक्स्ट टॉपिक है भाई, क्या है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन किसे कहते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसकी आपने हाइड्रेशन करनी है, हाइड्रेशन बोले तो इसके साथ आपने पानी जोड़ना है, एंड अगली बार आप जो पानी जोड़ोगे ना वो जोड़ोगे H2SO4 एंड HGSO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड
ये एसिडिक मर्क्यूरिक सल्फेट बोलेंगे इसे, एसिडिक मर्क्यूरिक सल्फेट। तो क्या होगा, ये सी ट्रिपल बॉन्ड किसमें बन होगा, डबल में ना, तो यहां पे एच है, यहां पे एच है, एच टू किसमें ब्रेक होगा, एच में एंड होगा, एच में एक जगह एच लगा दिया, एक जगह आपने ओ एच लगा दिया, क्लियर हो रहा है। अभी आप क्या कर सकते हो, यहां पे एक फेमस टॉपिक का यूज करना आपने, टोटोमराइजेशन, क्या बोलते हैं टोटोमराइजेशन वर्ड का यूज करना है। क्या होता है सर टोटोमराइजेशन, समझना मेरी बात को, कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड एक कार्बन को छोड़ के किसी दूसरे पॉलीवेलेंट एटम के पास चला जाएगा। पॉलीवेलेंट एटम देखो इन कार्बन के साथ का ये ऑक्सीजन के पास चला गया, तो अब ऑक्सीजन भी किसी को भेजेगा, ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन को भेजेगा। देखो ये कुछ ऐसे हुआ, सी एच एच, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, क्या सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के बॉन्ड देखो तो दो और एक तीन, इस कार्बन के तो बॉन्ड चार है, इसके पूरे नहीं है, तो ये क्या करेगा अपने हाइड्रोजन को भेजेगा। हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सी एच थ्री सी एच ओ, बन गया। जो आप बनाना चाह रहे थे, क्या बनाना चाह रहे थे भैया, आप बनाना चाह रहे थे एल्डिहाइड। अगर आप चाहते हो कीटोन बनाना, तो इसी तरह से आप लोग कीटोन भी बना सकते हो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे कि ये है सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, आप इसकी हाइड्रेशन करोगे, वाटर डालोगे, एंड किसका यूज करोगे एसिडिक HGSO4 का, तो क्या होगा भाई ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट कर दो, किसमें होगा डबल में, एक जगह पे H भेज दो, एक जगह पे OH, जहां पे आपका दिल करे, जहां पे दिल करे वो दिक्कत हो जाएगी, है ना, दिक्कत हो जाएगी ना, यहां पे जाएगा OH, यहां पे जाएगा H, कैसे, यहां पे मार्कोनी को फूल लगा है। अभी देखो इतने चैप्टर का वन शॉट देख लिया तो मार्कोनी को फूल पता होगा, नत्थू लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर हाइड्रोजन, H2O का H2 ब्रेक होगा H पॉजिटिव में OH नेगेटिव में, जो उसका नेगेटिव पोर्शन है वो कहां जाएगा लोअर वाले हाइड्रोजन के पास, इसके पास लो हाइड्रोजन है, चला गया। अभी आप लोग क्या करोगे, वही टोटोमराइजेशन होगी। क्या होगा टोटोमराइजेशन में, क्या होता है टोटोमराइजेशन बेटा जी, फेमस है याद रखना, मैंने देखो जो मैं बोल रहा हूं ना वो सारे टॉपिक करवाए हुए हैं, पहली बात यह है। तो टोटोमराइजेशन में क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड ना अपनी जगह छोड़ के किसी पॉलीवेलेंट एटम के पास चला जाएगा, ऐसे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी एच टू पहले से है। अभी एक बात समझो यार, जब ये डबल बॉन्ड गया ना, एक्चुअल लॉस किसको हुआ है, देखो इस कार्बन के पास ये अभी भी है, लॉस तो इसको हुआ है, तो ये अपना हाइड्रोजन भेजेगा उसके पास, ये बन जाएगा सी एच थ्री और ये बन गया हमारे पास कीटोन। तो ये सारे के सारे मेथड है जो कि हम यूज कर सकते हैं कंबाइंड एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने के लिए, चिपकाए हैं। चलिए अभी देखते हैं वो मेथड जो कि यूज किए जाते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। तो यहाँ पे तीन नेम रिएक्शन कर रहे हैं हम, सबसे पहले रोजनमंड रिडक्शन की बात करेंगे। तो रोजनमंड रिडक्शन में क्या होता है, ऑब्वियसली रिडक्शन होगी, आप लोग लोगे एसिड क्लोराइड, क्या लेना है एसिड क्लोराइड लेना है, और एसिड क्लोराइड में आप लोग क्या डालोगे, लिंडलेस कैटलिस्ट डालोगे, लिंडलेस कैटलिस्ट क्या होता है ये, पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट विच इज पॉइजन बाय सल्फर, जिसको पॉइजनस किया गया सल्फर के द्वारा। तो एसिड क्लोराइड से हम लोग क्या बना सकते हैं, इसमें एल्डिहाइड बना सकते हैं, सिंपल सी बात है भाई। कैसे होगा, कोई भी एसिड क्लोराइड मान लो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल है, उसमें आप लोग लिंडलेस कैटलिस्ट मिला दोगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। आर की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, जो आपका सरदर्श मैंने दिल जो भी कर रहा है, लाइक आप यहाँ पे सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल ले सकते हो। अच्छा आर की जगह पे एच नहीं ले सकते, ठीक है कार्बन लेने पड़ेंगे, ये एराइल ग्रुप लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच। चाहो तो यहाँ पे बेंजीन ले सकते हो, बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, क्या बन जाएगा ये बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्लियर है। तो पहला तरीका यही है एल्डिहाइड बनाने का। अभी जो नेक्स्ट तरीका है वो है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में क्या लोगे आप लोग, एल्केन नाइट्राइल लोगे, ठीक है मतलब बोले तो नाइट्राइल लेना आपने, और उसमें क्या मिलाना है SnCl2 विद HCl फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है एसिडिक हाइड्रेशन करनी है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा
एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप इनका मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो मैकेनिज्म भी मैंने करवा रखा है, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एल्कन नाइट्राइल क्या होता है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। फर्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, एस एन सी एल टू एस सी एल। ठीक है, तो क्या होगा भाई, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच, इट इज कॉल्ड आयमाइन। ठीक है, और अभी आप लोग इसकी क्या कर दोगे, एसिडिक हाइड्रेशन कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, ये आर सी एच ओ और प्लस में क्या बन जाएगा, एन एच थ्री, और आर की जगह पे कुछ भी आप लोग दे सकते हो। ये सिंपल से आपकी स्टेफन से। अच्छा, नेक्स्ट इज डाइबॉल एक्स रे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होती है, पहले तो पूरा नाम पता नहीं आपको, इसे बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बोलते हैं इसे। ठीक है, और भैया होता क्या है, डाई मतलब दो, आइसोब्यूटाइल मतलब कितने कार्बन, चार कार्बन होंगे, और आइसो मतलब सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा होगा। बाकी बॉन्ड पूरे कर दो एच टू, और एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी यहाँ पे ए एल एच लगा होगा, ये होता है डाइबॉल एच। तो यहाँ पे मतलब बहुत बढ़िया है ये तरीका, क्योंकि आप इसमें एसिड क्लोराइड हो, चाहे आपके पास क्या हो, एस्टर हो, चाहे आपके पास नाइट्राइल हो, हर एक से आप लोग बहुत आसानी से क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड बना सकते हो। जैसे कि एसिड क्लोराइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, और उसमें आपने क्या मिला दिया, डाइबॉल एच मिला दिया, डाइबॉल एच, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा लिख सकते हो आप लोग कि ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। अगर आपके पास मान लो एस्टर है, एस्टर क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये क्या बन जाएगा, इसमें डाइबॉल एच मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आर ओ एच, मतलब एक तरह से रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है डाइबॉल एच को। नाइट्राइल क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी गलत हो गया, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये क्या बन जाएगा, आर प्लस में एस सी एल भी बना दो, ये क्या बन जाएगा, आर सी एच ओ और प्लस में क्या बन जाएगा, एन एच थ्री। तो ये सारे के सारे तरीके हैं जो कि आप यूज कर सकते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। तो नेक्स्ट मेथड है कि अगर आपको कभी कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन बनाना हो तो वो कैसे बनाओगे, देखिए तो इसके लिए आप लोग यूज कर सकते हो प्रोसेस फ्रूडल क्राफ्ट। फ्रूडल क्राफ्ट मतलब वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, नेम रिएक्शन बहुत सारे उनमें आपको मिल ही जाएंगे, बाकी ये भी बहुत फेमस है, इसे बोलते हैं फ्रूडल क्राफ्ट। फॉर्माइलेशन कर दो या तो फॉर्माइलेशन या फिर एसाइलेशन कर दो, मैं भी बताता हूं क्या होता है दोनों में। देखिए बेंजीन, इसकी रिएक्शन आप करोगे फॉर्माइल क्लोराइड के साथ, फॉर्माइल क्लोराइड क्या होता है, एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री की प्रेजेंस में होगी। तो क्या होगा, ये पोर्शन ऐसे टूटता है, ये इस पे लिंक करेगा, ठीक है, सी एच ओ यहां पे लिंक कर गया और प्लस में क्या बन गया, एस सी एल, इट इज कॉल्ड बेंजाल्डिहाइड। एंड यहां पे आप लोग क्या भी कर सकते हो, जैसे बेंजीन है, उसकी रिएक्शन आप लोग कर दो किसके साथ, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री, क्यों होगी ये रिएक्शन, तो इसको यहां से ब्रेक करते हैं, ये पोर्शन लिंक करता है, तो यहां पे लिंक कर गया बेंजीन के ऊपर सीओ सी एस थ्री, क्या लिंक कर गया, सीओ सी एस थ्री और प्लस में क्या बन गया, एच सी एल, इट इज कॉल्ड, सॉरी सीओ एस थ्री नहीं होता, सीओ सी एस थ्री होता है, सीओ सी एस थ्री, इट इज कॉल्ड एसिटोफिनोल, क्लियर है। तो ये है अगर आपको एरोमेटिक बनाने, और भी कई सारे तरीके हैं, वो लास्ट में नेम रिएक्शन की ट्रिक है, वहां से आप लोग आसानी से देख सकते हो। पढ़ते हैं भाई एडिशन ऑफ एससीएन की तरफ, पहले सिंपल कर रहा हूं मैं, जैसे कि हमारे पास कार्बन इन फैमिली के मेंबर है एल्डिहाइड या कीटोन, ऐसे लिखते हैं उसे, इसमें आप लोग एससीएन जोड़ोगे, तो एससीएन जोड़ोगे तो आपको पता है यार ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इसमें ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो जो पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ेगा, जो नेगेटिव होगा इसके पॉजिटिव से जुड़ेगा, सिंपली आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हो, इसके पास जोड़ दो सीएन, इसके पास जोड़ दो ओएच, बस क्या दिक्कत है, आसान सा है। आप बात कर रहे हो एक एल्डिहाइड की, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये है, ये क्या है, प्रोपेनल है,
इसमें आप लोग एससीएन जोड़ोगे, अगेन वही फंडा होगा, किसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसके पॉजिटिव इसके पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ता है, ये तो केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक ही है। तो क्या होगा यहां पर, सी सी एस थ्री एच, यहां पर ओ, ठीक है, एक तरफ ओ कर दो, ओ के साथ क्या जोड़ोगे आप लोग एच, और यहां पे इसके साथ क्या जोड़ने वाले हो सी एन। इसे बोलने वाले क्या है हम लोग, इसे बोलेंगे ये जब सी एन ओ एच लग जाता है, इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, साइनोहाइड्रिन। कैसा साइनोहाइड्रिन है, ये है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड इसे बोलते हैं। इथेनॉल का जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटल्डिहाइड, और उसके साथ आपने ओएसएन जोड़े हैं तो ये है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। समझ रहे मेरी बात को, अगर आप कुछ और करना चाह रहे हो लाइक ये सी डबल बॉन्ड ओ, आप कीटोन के साथ करना चाह रहे हो सी एस थ्री इसके साथ करो, तो क्या होगा, इसमें आप जोड़ोगे एचसीएन, तो अगेन वही बात होगी, ये सी ये सी एस थ्री ये सी एस थ्री ये ओ, ठीक है, इस ओ के साथ क्या जुड़ेगा एच जुड़ेगा, इसके साथ क्या जुड़ेगा सीएन जुड़ेगा। इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसे हम लोग बोलने वाले हैं एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है भाई। आप कुछ और भी कर सकते थे, लाइक ऐसे भी कर सकते, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे आप लोग बेंजीन रख लो, ठीक है, यहां पे एच, क्या है ये, इट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, ये है एसीटोन, ये है एसीटल्डिहाइड, इसमें आप लोग एसीएन जोड़ो तो क्या होगा, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, सी ओ यहां पे सीएन जुड़ेगा, यहां पे एच जुड़ेगा, यहां पे बेंजीन तो है ही, यहां पर एच भी है ही है। इसे हम लोग बोलने वाले हैं बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। फोकस कीजिए मेरी बात, बिल्कुल आसान सा है ये, तो है एक शॉर्टकट, जब आपको बुक्स के अंदर दे रखा है आपने इस तरह से कर देना, और यही सफिशियंट है। बट अगर कोई बच्चा समझना चाह रहा है कि सर मैकेनिज्म क्या हुआ है, कैसे होती है रिएक्शन, तो उसके एक बार देख लेते हैं, नोट कर लिया होगा ये, चलो सॉरी यार वो डस्टर नहीं रखा, अभी दूर रखा है इसलिए हाथ से साफ कर दिया। तो बात करते हैं क्या होगा, तो एचसीएन जो जैसे हमने यहां पे सिंपली ऐड कर दिया, एचसीएन उतनी सिंपली जुड़ता नहीं है, बहुत स्लो होती है इसकी रिएक्शन, तो इसकी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमें यहां से न्यूक्लियोफाइल निकालना पड़ेगा, सीएन निकालना पड़ेगा आसानी से, तो यहां पे हम इसको रखेंगे एक बेसिक मीडियम के अंदर, जो यहां पे कैटलिस्ट का भी काम करेगा, जो इसके एच पॉजिटिव को निकाल लेगा और क्या बन जाएगा H2O, और यहां पे हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अभी ये रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, माना जाता है रिएक्शन इस तरह से होती है एक्चुअल में, ठीक है, ये स्टेप जो होता है रिवर्सिबल होता है। अभी क्या होगा, अभी हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड है, कीटोन है, मान लो हमने एल्डिहाइड मान लिया CH3, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो अभी क्या होगा, हमें पता है कि इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, इस पर नेगेटिव आना चाहिए, आएगा भी, तो यहां पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड होगा इस पोजीशन पे, ठीक है, तो कैसे, देखिए सी ये सी एस थ्री ये एच ये ओ, देखिए ये इलेक्ट्रॉन आ गए, ये जो दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास आएंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और उस कार्बन के पॉजिटिव को खत्म करेगा ये सीएन, यहां पे सीएन आया और इस ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव। अगेन बोलूंगा मैं ये स्टेप क्या है, रिवर्सिबल है, और ये स्टेप बहुत ही स्लो स्टेप होता है। क्यों होता है सर ये स्लो स्टेप, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, जब कोई स्टेबल कंपाउंड टूट के अनस्टेबल में बनता है, आयनिक स्पीसीज हमेशा अनस्टेबल होती हैं, तो वो स्टेप स्लो होगा, ठीक है, कोई स्टेबल से अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा, ठीक है। चलिए अभी सी ऑक्सीजन नेगेटिव, सी एन यहां पे सी एच थ्री यहां पे एच, अभी मैंने आपको बोला है कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ना एच ने है, OH बनाना है आपने, तो यहां पे आप एक प्रोटोनेशन करा दोगे इसकी, H पॉजिटिव आएगा एंड ये स्टेप फास्ट होगा। ये स्टेप क्या होने वाला है, फास्ट, क्यों होगा फास्ट, क्योंकि आयनिक से न्यूट्रल बनेगी, ज्यादा स्टेबल होगी ये चीज, तो यहां पे ये H पॉजिटिव इस नेगेटिव से जुड़ेगा, ये बना OH, ये बना CN, यहां पे है CH3 और यहां पे है H, बस यही है, ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, बुक में दिया हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने
आपको करवा दिया और वो इसके सिंपल शॉर्टकट है। इस तरह से आप लोग HCl को जोड़ सकते हो। ये है अपना पहला पार्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। नोट कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाओ एंड रिवीजन करो। ऑर्गेनिक में सबसे जरूरी है रिवीजन, दो दो तीन तीन बार इनको पढ़ो आप लोग, कीजिए नोट। तो आगे बढ़ते हैं एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अभी हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट बोलते हैं इसे, NaHSO3। कैसे होती है रिएक्शन इसको चेक करते हैं और फिर इसका शॉर्टकट देखेंगे। हम ये रिएक्शन कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन पे या कह लीजिए कार्बोनिल ग्रुप पे, कुछ इस तरह से है वो C(O)। इसमें आप जोड़ोगे क्या, NaHSO3 ये जोड़ेंगे। तो होगा क्या, अभी आपको इसमें ये पता लगाना पड़ेगा इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो Na पर पॉजिटिव होगा एंड ये जो HSO3 है इस पे होगा नेगेटिव एंड ये स्टेप होता है रिवर्सिबल। एंड अगर आप यहां पे चेक करो तो एक्चुअल में क्या होता है, यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो क्या होगा, इस पे नेगेटिव आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये यहां पे आ जाएगा कुछ इस तरह से। फोकस करें मेरी बात पे, सी यहां पर एक तरफ O और एक तरफ ये, इसके साथ क्या जुड़ गया SO3H, क्या जुड़ गया SO3H और ऊपर ऑक्सीजन के पास क्या चला जाएगा, जिसपे नेगेटिव आएगा उस पर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। संतारी मेरी बात को, क्या हुआ ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया एन ए पॉजिटिव एंड कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव से जो लव करते हैं उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लवर, जिन पे खुद नेगेटिव चार्ज होता है वो आगे इधर। अब हमें चीज देख के आए कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है हाइड्रोजन, OH बनता है, तो ये आगे होगा एंड यहां पे एक स्टेप होता है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर। कैसे होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, इसका Na इधर, ये अपनी पोजीशन ऐसे चेंज कर लेंगे ऐसे, सी ये O के साथ जुड़ा H और यहां पे SO3 Na, इस तरह से। आगे ये बात समझे, अभी एग्जांपल करना चाह रहे हो आप, जैसे कि आपके पास एल्डिहाइड है सी, यहां पे लगेगा एच, यहां पे लग गया CH3। तो अभी क्या करोगे, यहां पे डबल बॉन्ड ओ, इसके साथ जोड़ोगे आप NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या सोडियम बाइसल्फेट। तो होगा क्या, अब सिंपल यार ये सीधे स्टेप को करो, तो यहां से आप कुछ ऐसा शॉर्टकट निकाल सकते हो कि एच पे पॉजिटिव है NaSO3 पे नेगेटिव है, तो एच पे जो पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन नेगेटिव से जुड़ेगा। आप इस रिएक्शन को सिंपली ऐसे भी कर सकते हो CH3 CH और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ दोगे, यहां से एच जोड़ दोगे और ये क्या बन जाएगा SO3 Na। अगर आप चाहते हो कीटोन के साथ करना तो कीटोन के साथ कर दो CH3 C(O)CH3, उसके साथ जोड़ दो NaHSO3, तो क्या होगा यहां से ये कुछ ऐसे CH3 C CH3, एक जगह ऑक्सीजन और जनरली ऑक्सीजन को नीचे दिखाया जाता है, तो आप भी ऑक्सीजन को नीचे दिखा सकते हो और ये ऐसे, इसके साथ क्या जुड़ेगा SO3 Na डायरेक्ट और यहां पे H, ये शॉर्टकट है। बाकी एक्चुअल में अगर मैकेनिज्म के थ्रू बात करें तो कुछ इस तरह से होता है, क्लियर है। अभी एक जरूरी बात कि अगर हम यही रिएक्शन करके देखें डाई इथाइल कीटोन पे, डाई इथाइल कीटोन क्या होता है C2H5 पे ऐसा कुछ करके देखें, या फिर आप करके देखो एसिटोफिनोन पे, एसिटोफिनोन क्या होता है बेंजीन C(O) और यहां पे CH3, ये एसिटोफिनोन होता है, या फिर आप करके देखो बेंजोफिनोन पे C(O) और ये बेंजीन। तो यहां पे ये रिएक्शन देखी नहीं जाती, अगर आप इनमें जोड़ना चाह रहे हो तो रिएक्शन नहीं होगी और इसका आंसर दिया जाता है ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। मैंने बताया था, अगर देखो जैसे ही दो बेंजीन ग्रुप हो जाते हैं, मैंने बताया था क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कई सारे रीजन होते हैं, एक तो रेजोनेंस बड़ा रीजन है और दूसरा रेजोनेंस भी बड़ा रीजन है, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करना चाहता है तो इन बड़े ग्रुप पे अटैक नहीं कर सकता, ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक्शन थी विद मैकेनिज्म उसमें इतना है। तो जल्दी से इसको नोट करो अगले पार्ट। तो अभी करते हैं हम लोग एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट को कैसे ऐड हमने इसके अंदर करना है, फोकस करना। ये मैं आपको अल्कोहल फिनोल ईथर में भी समझा चुका हूं कि जैसे अगर मैकेनिज्म की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है,
ये हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, तीनों एग्जांपल समझाऊंगा, क्योंकि इस मेथड से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बनाते हैं। और जब हम इसमें ऐड करते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है, इस पे हल्का सा नेगेटिव होता है, इस पे हल्का सा पॉजिटिव, और यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव, इस पे हल्का सा पॉजिटिव। तो यहां से जो नेगेटिव है ये अटैक करता है इस पे, और यहां से जो पॉजिटिव है ये अटैक करता है इस पे, ऐसे ही होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये सी, ये ओ, यहाँ पे जुड़ा आर, और यहाँ पे जुड़ गया ओ एम जी एक्स, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है अगर बात करें तो। फिर क्या होती है, इसकी एसिडिक हाइड्रेशन होती है, एसिडिक हाइड्रेशन बोले तो एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे विद एच टू, यहाँ पे एच पॉजिटिव है, ओ एच नेगेटिव है। अब आप बताओ किसको कहाँ जोड़ोगे, इस बॉन्ड को जब हमने क्लीव किया था, जब हमने इस बॉन्ड को तोड़ा था, तो हमने इस बॉन्ड को कुछ ऐसे तोड़ा था, फोकस करना, याद कर लो, बहुत कम आएगी रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरह सी आर, ये ओ, इस ओ के साथ क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे कुछ नेगेटिव है तो एच, और इस एम जी के साथ क्या जुड़ेगा, एम जी एक्स के साथ क्या जुड़ जाएगा, ओवर। तो ये होता है इसका सिंपल सा मैकेनिज्म, और कुछ भी नहीं होता इसमें। अब बात करते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल आप कैसे बना सकते हो। सबसे पहले सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके दोनों बॉन्ड हम लोग पूरे कर रहे हैं एच से। इसके बाद क्या होगा, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करी किसके साथ, आर एम जी एक्स के साथ। तो क्या होगा भाई बताइए, ये आर तो आर के साथ ही जोड़ दो, एम जी एक्स, बाकी बता दिए मैंने कैसे करोगे आप। ये सी, यहाँ पे एच, एच यहाँ पे ओ, यहाँ पे कुछ जुड़ेगा, जब डबल को हम ट्रांसफर कर देते हैं इस तरह से, तो ये क्या होगा, आर यहाँ पे आएगा, एम जी एक्स यहाँ पे आएगा, एंड फिर आप इसकी एसिडिक हाइड्रेशन करोगे एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से क्लीव करेंगे, ये सी यहाँ पे एच, एच आर यहाँ पे ओ एच, और ये एम जी एक्स ओ एच, समझ पा रहे हो। ये कौन सा अल्कोहल बना है, ये बना है प्राइमरी अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल बना है, प्राइमरी अल्कोहल। आगे बात करते हैं, तो ये तो हमने प्राइमरी अल्कोहल बना लिया, इसका शॉर्ट में भी बताऊंगा कैसे प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कैसे सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। अभी बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, ये फॉर्मल्डिहाइड, एंड सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, एसिटल्डिहाइड की, एसिटल्डिहाइड बोले तो इथेनल की, सी एच थ्री, एंड यहाँ पे एच, इसके रिएक्शन आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट आर एम जी एक्स या फिर लिख सकते हो सी एच थ्री एम जी बी आर, ये पोर्शन नेगेटिव है यहाँ पे, ये पोर्शन पॉजिटिव है यहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा जो पॉजिटिव है, कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा जो नेगेटिव है, कुछ इस तरह से सी ओ यहाँ पे देखिए तो एच है यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे क्या जुड़ेगा सी एच थ्री जुड़ा, ये वाला सी एच थ्री यहाँ पे जुड़ गया इस कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा ये एम जी बी आर। आगे बढ़ते हैं, एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं, एसिडिक हाइड्रेशन में क्या होगा बताइए, यहां से फोकस कीजिएगा, ये बॉन्ड यहां से क्लिप होगा, इसके पास आएगा पॉजिटिव एच आएगा मतलब, और इसके साथ कौन जुड़ेगा ओ एच, तो ऐसे देखिए सी सी एस थ्री, सी एस थ्री एच यहाँ पे ओ एच, और ये एम जी बी आर, और इसके साथ ओएच, इस तरह से आ रही समझ में। चलो अभी लगे हाथ टर्शियरी भी बना ही देते हैं, टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनाओगे आप लोग, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ये आप लोगों की टोन सी एस थ्री सी एस थ्री, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करी वही ग्रिगनार्ड रिएक्शन के साथ आर एम जी एक्स में, मानो आप कुछ भी लिख सकते थे सी एस थ्री एम जी बी आर सी एस थ्री एम जी सी एल सी टू एच फाइव एम जी सी एल, जो भी दिल करे ठीक है। कार्बन वाला पोर्शन कार्बन के साथ ही जोड़ना है हमने, क्यों जोड़ना है ये भी मैंने बता दिया आपको ठीक है। यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पे सी एस थ्री, और यहाँ पे ओ के साथ कौन जुड़ेगा एम जी बी आर, फिर आप इसकी एसिडिक हाइड्रेशन करोगे ठीक है। तो ये बॉन्ड यहां से क्लिप होगा एक्चुअल में, यहां से इस बॉन्ड को क्लिप करोगे तो कर दीजिए क्लिप सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री, इस ओ के साथ एच, और ये एम जी बी आर के साथ कौन जुड़ेगा और जुड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हो, ये दिखाई दे रहा हो तो ये टर्शियरी अल्कोहल है। कैसे है टर्शियरी अल्कोहल, जिस कार्बन के साथ ओएच जुड़ा है वो तीन कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इसके साथ ओएच जुड़ा है, ये दो कार्बन जुड़े तो प्राइमरी सेकेंडरी है, जिस कार्बन से ओएच जुड़ा है वो एक कार्बन जुड़ा तो
20। अब देखो एक कार्बन ग्रुप ग्रिग्नार्डिएजेंट लेके आएगा, तो अगर आपको प्राइमरी बनाना है तो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके पास एक भी कार्बन नहीं होना चाहिए, तो आपने यहाँ पे एक भी कार्बन नहीं लिया है। अगर आपको सेकेंडरी बनाना है तो एक ले लो, क्योंकि एक तो ग्रिग्नार्डिएजेंट लेके आएगा। टर्शियरी बनाना है तो दो कार्बन के ग्रुप ले लो, क्योंकि एक तो ग्रिग्नार्डिएजेंट लेके आने वाला है। समझ आपके बात। और यही तो सिंपल सी रिएक्शन है, फोकस करना कि यहाँ पे आपने एक भी कार्बन का ग्रुप नहीं लिया, यहाँ पे एक लिया है, यहाँ पे दो लिए, मतलब टर्शियरी बनाना तो दो ग्रुप लिए, सेकेंडरी बनाना तो एक ग्रुप लिया, प्राइमरी बनाना तो एक भी ग्रुप नहीं लिया। बस यही है सारे का सारा फंडा, कार्बोनिल ग्रुप से ग्रिग्नार्डिएजेंट से आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये बनती है। नोट कीजिए सारे का सारा, ये सिंपल सा मैकेनिज्म रहता है कि भैया ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करेगा, और यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल से ज्यादा ये नॉन मेटल कार्बन वाला ग्रुप नॉन मेटेलिक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ेंगे, फिर एसिडिक हाइड्रेशन करेंगे। ये है, जल्दी से निपटाओ इसको, नोट कीजिए स्पीडली। तो नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स की कौन सी, एडिशन ऑफ एल्कोहल, तीन कर चुके ना, अभी एडिशन ऑफ एल्कोहल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, कोई थोड़ा लीक से हटके है, ऐसे नहीं जितनी आसान पहले वाली जितनी आसान नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है इसमें, क्लियर। तो देखिए, अच्छा ये जो एल्कोहल आप जोड़ोगे, ये आप जोड़ोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई एल्कोहल, सॉरी ड्राई एक्सियल गैस, ठीक है, ध्यान से समझिएगा होता क्या है एक्चुअल में। तो भैया क्या किया आप लोगों ने, दिया एक कार्बोनिल ग्रुप या कह लो एल्डिहाइड, ठीक है, ये है एल्डिहाइड CH3 सी डॉट बॉन्ड, और यहां पे लगा एच, या यहां पे आप आर मान लो, ऐसे कर लो इसको। अब इसमें आप एल्कोहल जोड़ोगे, एल्कोहल आपने जोड़ा आर डैश ओएच, क्या जोड़ा आर डैश ओएच, तो अभी क्या होगा भैया, अच्छा ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एचसीएल गैस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एचसीएल गैस। तो इसको आपने ब्रेक करना है, आर डैश ओएच को आप ब्रेक कैसे करोगे, याद रखिए इसकी जो ब्रेकिंग होगी ये कुछ इस तरह से होगी, H पॉजिटिव R डैश O नेगेटिव, H पॉजिटिव R डैश O नेगेटिव, क्लियर है, सिर्फ इतना याद रखो। अभी हम देखते हैं कि जो ये कार्बोनिल वाला बॉन्ड होता है शिफ्ट होता है ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे हल्का सा नेगेटिव आएगा, इस पे हल्का सा पॉजिटिव आएगा, तो इसका नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से जुड़ेगा। तो अभी क्या होगा यहां पर, आप देखिए C ये R ये H ये O के साथ क्या जुड़ा, H जुड़ा, एंड इस साइड क्या जुड़ गया, O R जुड़ गया। तो आप देख पा रहे हो ये O R बना है, इथर बना है, OH बना है, अल्कोहल बना है, इसे बोलते हैं हम लोग हैमी एसिटर, हैमी एसिटर, क्या बोलते हैं इसे, हैमी एसिटर। एंड ये क्या होता है, एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, अनस्टेबल क्यों, क्योंकि मैं फर्दर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा सकता हूं, आप एक बार और अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराइए आर डैश ओ एच, अब देखिए क्लीवेज कैसे होगी, अगेन वही फंडा है, आर डैश ओ जो रहेगा वो रहेगा नेगेटिव, एच क्या रहेगा पॉजिटिव, आर डैश ओ नेगेटिव और एच क्या रहेगा पॉजिटिव, ये रिएक्शन भी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एचसीएल गैस की प्रेजेंस में होती है, फोकस करना। अभी होगा क्या, यहां से आपने इस OH को रिमूव करना है, और इस OH की जगह कौन जाएगा, ये जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा C ये R ये H ये OR डैश R डैश है ना, और ये OR डैश, इसे कहते हैं हम लोग एसिटल, क्या कहते हैं एसिटल, और ये क्या है हैमी एसिटल, अर्थात एसिटल है, तो जिसको और ज्यादा आप लोग एक और इथर ग्रुप इसमें जोड़ सकते हो, और प्लस में क्या बन जाता है यहां पर वॉटर बन जाता है। समझ पा रहे बात को, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने प्रॉपर एक एल्डिहाइड लिया CH3 CHO ये डबल बॉन्ड O, अब इसमें अल्कोहल जोड़ रहे हो C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराई, ठीक है। अच्छा जितनी बार, वैसे मैं बताऊं दो बार आप OH के साथ ट्रीट कर सकते हो, अगर आप एक ही बार दो OH को ले आओ तो एक ही स्टेप में सब कुछ खत्म हो सकता है, अगर आप दोनों OH एक बार में ले आओ तो सब कुछ एक ही बार में खत्म किया जा सकता है। देखिए अभी यहां पे क्या होगा, ये पोर्शन
नेगेटिव है, ये पोर्शन पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, करवाओ अटैक, ये सी, ये एच, ये सी टू, एच फाइव, ऑक्सीजन को रखो यहाँ, यहाँ पे इस कार्बन पे क्या जुड़ेगा, ओ सी टू एच फाइव, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, एच जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे हम दोबारा से इसके अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे, ये क्या है, हेमिएसिटल है। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप दोबारा सी टू एच फाइव ओ एच के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एससीएल गैस आप इसकी रिएक्शन करोगे, तो क्या होगा भैया, इसको यहां से क्लीव कर दो, यहां से इसको तोड़ो और इसी जगह इसको जोड़ दो, तो ये एच और ये ओ एच क्या बन जाएंगे, एच टू ओ। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे सी टू एच फाइव नहीं था, यहाँ पे ये सी एच थ्री था। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, एम दिखाई दे रहा है, तो आगे बढ़ाते हैं तात्पर्य को, ओ सी टू एच फाइव और ये ओ सी टू एच फाइव, इसे बोलते हैं एसिटल, एसिटल्डिहाइड, और आपने एसिटल्डिहाइड किया था, एंड इथाइल एसिटल, एसिटल्डिहाइड इथाइल एसिटल इसे हम लोग बोलते हैं। क्लियर, आप कुछ और काम भी कर सकते हो, कुछ और काम क्या कर सकते हैं सर हम, देखिए एच सी सी एस थ्री डबल बॉन्ड हो, ये है आपके पास एल्डिहाइड, एंड इसकी रिएक्शन आप करा सकते हो इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। क्या होता है सर इथाइलिन ग्लाइकोल, पता होगा आप लोगों ने देखा भी होगा, पॉलीमर यूनिट में था, पॉलीमर का वन शॉट करवा चुका हूं मैं, नहीं चेक किया तो करना चाहिए, सात यूनिटों का हो चुका है और बाकी यूनिट का भी जल्दी जल्दी आ रहा है। तो अभी क्या होगा भैया, आपने देखिए दो ओ एच ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराते हो किसी रिएक्शन में, तो दो बार ड्राई एस सी एल आता है, और यहाँ पे दो ओ एच आप पहले से आपने लेके आ रहे हो, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है, जैसे वहां पे एच टू बना है तो यहाँ पे आप लोगे ड्राई एस सी एल गैस, तो इसमें पहले में एच टू बाहर निकल गया। ठीक है, ये C, ये H, ये सी एस थ्री, ये O, ये O, ये सी एस टू, ये सी एस टू, इसे बोलते हैं साइक्लिक एसिटल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं साइक्लिक एसिटल, साइक्लिक एसिटल। देखो ना भाई, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना तो इसे हम लोग बोलेंगे साइक्लिक एसिटल। अगर आप यही रिएक्शन कीटोन के साथ ट्राई करना चाह रहे हो, कीटोन के साथ अगर आप ट्राई करना चाहते हो कि एक अल्कोहल लो फिर दूसरा अल्कोहल लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। कीटोन के साथ आपको दो ओएच ग्रुप वाला ही लगाना पड़ेगा, मींस टू से आपको इथाइलिन ग्लाइकोल ही लगाना पड़ेगा। कैसे कह रहा हूं, देखिए आपके पास यही कीटोनिक ग्रुप, होप कि सभी कुछ सही से दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये है कीटोन, आपने इसकी रिएक्शन कराई इथाइलिन ग्लाइकोल से, सी एच टू सी एच टू ओ एच ओ एच, तो क्या होगा, यहां से ओ, यहां से एच। भैया एक्चुअल में देखो, पानी से वहां पे बाहर निकाला था, ठीक है, वहां पे दो स्टेप के बाद पानी निकलता है, यहां पे एक स्टेप के बाद पानी निकल जाता है। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ड्राई एसीएल गैस की। ठीक है, और माइनस क्या करोगे, एच टू माइनस करोगे, तो क्या बन जाएगा, सी एस थ्री सी सी एस थ्री डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं, ऐसे ओ ओ सी एच टू ऐसे, आगे समझे, एंड ये भी साइक्लिक है, एसिटल नहीं कहलाएगा, हम लोग बोलेंगे किटल, साइक्लिक किटल। क्या है सर साइक्लिक किटल, ये अपने किटोनिक ग्रुप से बनाया ना, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, साइक्लिक किटल रख दिया। बात समझाइए, तो बस यही है एडिशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के साथ दोबारा बता रहा हूं आपको, इसमें आर डैश ओ नेगेटिव जो होगा वो नेगेटिव पोर्शन है, एच पॉजिटिव होगा, तो आप लगाओगे नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से, फिर यहां पे आप दोबारा एल्कोहल लेके आओगे, क्योंकि एक्चुअल में जब आप एल्कोहल के साथ ट्रीट करोगे तो पानी तो बाहर निकालना है, पानी निकाल लिया आपके पास एसिटल बन गया, दो एल्कोक्सी दो इथर ग्रुप बन जा रहे हैं आपके, इस तरह से यहाँ पे ओ आर ग्रुप कह सकते हैं आप उसे, इथर ज्यादा सही वर्ड नहीं लगता। फिर आपने करके दिखाया एक एग्जांपल, फिर आपने किया कि एक ही ऐसा ले लिया जिसके पास दो एच ग्रुप लगे हैं, तो एक ही स्टेप में पानी बाहर निकल सकता है। कीटोन में आप लोग एक ही अल्कोहल के साथ ट्रीट नहीं कर सकते, आपको दो अल्कोहल ग्रुप एक साथ लगाने हैं। ठीक है, बस यही है एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो ये सिंपल जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के जितने भी टाइप थे यही थे।
इसके बाद हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें पहले सिंपल हो रहा है ना, तो आप सभी को बताए दैट की अमोनिया क्या होता है। मतलब सबसे जरूरी आप ये याद रखो जो मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, सबसे जरूरी ये है, ये तो रिएक्शन बहुत आसान है। तो सबसे जरूरी है कि आप अमोनिया को याद रखिए। अमोनिया क्या होता है, NH3। क्या होता है, NH3। और इसके डेरिवेटिव से मेरा क्या तात्पर्य है, डेरिवेटिव से हम लोग क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है डेरिवेटिव का, डिराइव किया गया हो, अमोनिया से थोड़े बहुत पंगे लिए गए हो। अब पंगे लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम इसमें पंगे ले लेंगे तो क्या होगा भाई, मतलब देखो ऐसा होता है ना, चाय बनाते हैं, चाय किससे बनती है, पानी चीनी पत्ती दूध, फिक्स है। बट उससे पंगे लें, अदरक इलायची सौंफ तुलसी कुछ भी मिला सकते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जो मेन है उसमें कुछ चीज ऐड कर दो। बट इसमें क्या होता है, जब हम कोई चीज ऐड करते हैं ना तो किसी की बलि दी जाती है, किसी को निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम निकालते हैं किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन निकलेगा और यहां पे आप कोई भी चीज जोड़ सकते हो, उस कोई भी चीज को मैं जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप जो मर्जी लिखो मैं जेड से लिख रहा हूं। ठीक है, NH2 जेड, जेड मतलब आपने कोई भी चीज इसमें जोड़ी है। और भी अच्छा क्या रहेगा, आप इसको ऐसे लिख लो इस तरह से, NH2 जेड। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं हाइड्रोक्सिलमाइन की। हाइड्रोक्सिलमाइन, मेरी बात पे फोकस करना आप लोग, मैं कहना चाहता हूं आपको, हाइड्रोक्सिलमाइन आपने जेड में जोड़ना है, NH2 हाइड्रोक्सी मतलब आप यहां पे OH लगा दो। एक होता हाइड्रोजन, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होगा, देखो ये तो फिक्स है, ये तो हर जगह रहेगा, NH2 और यहां पे एक और NH2, ये होता है हाइड्रोजन। एक होता है फिनाइल हाइड्रोजन, नेक्स्ट इज फिनाइल हाइड्रोजन। नाउ व्हाट इज फिनाइल हाइड्रोजन, देखिए फोकस कीजिएगा मेरी बात पे, ये होता है हाइड्रोजन, ये NH2 है ना। और फिनाइल का मतलब क्या है कि यहां पे बेंजीन लगता है, चलिए लगा दिया है बेंजीन। बट जब हम बेंजीन लगाएंगे तो इसके बॉन्ड क्या होंगे, ये क्या हो जाएगा, NH2 NH बेंजीन, ये है फिनाइल हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन होता है ये लिखा, बट इसके साथ बेंजीन जोड़ दिया तो यहां से कैच हट जाएगा। एक होता है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन फोकस कीजिएगा, क्या होता है हाइड्रोजन, हमें पता है ये हो गया NH2 है ना, ये होता है हाइड्रोजन। फिनाइल का मतलब क्या होता है, जब यहां पे बेंजीन जुड़ जाता है, एक अच्छा मतलब जाता है। 2,4-डाइनाइट्रो का मतलब क्या है कि इसकी सेकंड पोजीशन पे जहां पे ये लगा, इससे सेकंड पोजीशन ये बनेगी, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे दो NO2 ग्रुप लग गए, तो हो गया 2,4-डाइनाइट्रो। इसके बाद नेक्स्ट होता है सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड ये भी कुछ इसी जैसा होता है, थोड़े से पंगे लिए गए हैं, NH2 NH CO NH2, इस तरह से ये होता है सेमी कार्बाजाइड। क्लियर होता है, आगे बढ़े, एक और आप लोग लगा सकते हो, मतलब कि वैसे इसमें डेरिवेटिव्स में नहीं लिखोगे आप, अलग से लिख लेना, प्राइमरी अमाइन। अमोनिया पूरा चैप्टर कर लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 6.5-6 चैप्टर हम कर चुके हैं, उनके वन शॉट भी हो चुके हैं, आप लोग देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा तब तो इसको देखते हैं। प्राइमरी अमाइन क्या होता है, जैसे अमोनिया है ना, यहां पे आप R लगा दोगे, ठीक है, इस जेड की जगह पर हमने R लगा दिया, एल्काइल ग्रुप लगा दिया या एलिफेटिक ग्रुप लगा दिया तो। और अगर आप चाहो तो इस अमोनिया को भी कुछ ऐसे लिख सकते हैं, NH3 को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, NH2 H। अब आप फोकस करो, ये सारे एक फॉर्म में आ गए हैं, सारे के सारे है ना, सब कुछ को, सबको हमने NH2 और जेड की फॉर्म में लिया है। जेड की जगह H हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, NH बेंजीन हो सकता है, NH बेंजीन NO2 हो सकते हैं, NHCO NH2 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं सर इनकी रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है। देखो आपके पास कोई कार्बन कंपाउंड होगा, एल्डिहाइड ऐसे होता है, अब आप इसमें क्या जोड़ दोगे, कोई भी डेरिवेटिव जोड़ लो, ऐसे NH2 और ये होगा जेड। यहां पर आप वीकली बेसिक मीडियम लोगे और बेस क्या, सॉरी बेसिक नहीं, एसिडिक मीडियम लोगे, तो एसिड क्या करते हैं, यहां से बाहर निकाल देंगे इसको, पानी को माइनस हो जाएगा H2O और ये आपका प्रोडक्ट बन गया N और ये
जेड, बस ये रिएक्शन है। बताना जरा क्या मुश्किल था, मैं कैल्शियम की तरफ हम नहीं जा रहे, सिंपल समझ गए ठीक है, कैल्शियम जरूरी भी नहीं है। क्या किया आपने, H2O को बाहर निकाल दिया, ये C डबल बॉन्ड N जेड, बात कर लूंगी, क्या मुश्किल है इसमें। अब पहले इससे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले है हमारे पास कौन से वाला, हाइड्रोक्सीलोमाइन, उसमें आप लोग रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ ही, सी डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या लगाएगा एच सी एस थ्री, ये क्या है एल्डिहाइड है, क्या है ये एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ कराओगे, H2NOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक है, ये चीज बाहर निकलेगी, अगर नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी H2 बाहर निकल जाएगा। ऐसी रिएक्शन जनरली आपको कंप्लीट करने आती है, आपको इतना सेटअप दिया होगा और आपको आगे करना होगा, तो समझ जाना ये H2 बाहर निकलेगा और यहां पे ये क्या बनेगा, सी ये एच ये सी एस थ्री ये डबल बॉन्ड ये N और ये OH, इट इज कॉल्ड ऑक्साइन, ऑक्साइन एल्डिहाइड, ऑक्साइन इसे बोल सकते हो, एल्डिहाइड से बनाया आपने, आप चाहो तो इसे प्रोटॉन के साथ भी कर सकते हो, सी डबल बॉन्ड O ऐसे होता है, और यहां पे आपने क्या लगा दिए, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा दिए, पर है ना सी डबल बॉन्ड O कार्बोनिल होता है, अगर उसका एक भी बॉन्ड हाइड्रोजन से पूरा हो रहा तो एल्डिहाइड है, अगर उसके दोनों बॉन्ड कार्बन से पूरे हो रहे हैं तो वो कीटोन है। तो अभी आप लोग क्या करोगे, इसकी रिएक्शन करोगे H2N विद OH, ठीक है, H पॉजिटिव के साथ, तो ये चीज क्या होगी, ये चीज बाहर निकल जाएगी, H2 बाहर निकल जाएगा, फोकस कीजिएगा, H2 निकलेगा बाहर, यहां से क्या जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड एंड OH, इट इज कॉल्ड कीटोन ऑक्साइन, क्या बोलेंगे इसे, कीटोन ऑक्साइन। आगे बढ़ते हैं, पहले बारी हो चुकी है रिएक्शन, सारी करेंगे टेंशन मत लो। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हो आप, आपके पास ये है एल्डिहाइड, ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होगा, ये होगा NH2 एसिडिक मीडियम, ये चीज बाहर माइनस हो गया H2O, यहां पे क्या होता है C, ये H, ये CH3, ये डबल बॉन्ड N और ये NH2, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजोन, क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोजोन बोलते हैं, ठीक है, या फिर एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन बोल सकते हो, जिससे आप लोगों ने इसे बनाया है। इसी तरह से रिएक्शन आप लोग कीटोन पे भी अप्लाई कर सकते हो, सी डबल बॉन्ड O CH3 CH3 H2N H2N NH2 एसिडिक मीडियम, इवन मोस्ट बुक्स के अंदर कीटोन में तो आपको दिखा भी रखा है, तब भी चलेगा, ठीक है, नहीं मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीक एसिडिक है, इन्होंने बाहर ही जाना है, इन्होंने बाहर निकलना ही है, ये बाहर क्या बनेगा H2O, ये क्या बनेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड N और ये NH2, समझते बात, आगे बढ़े। देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजन, आप लोग एल्डिहाइड ऐसे ये सी डबल बॉन्ड O H ले लें, यहां पे ये भी एल्डिहाइड है बट अवॉइड करना, इसको आपने नहीं लेना, ठीक है, आप कम से कम एक कार्बन लगा के वाला एल्डिहाइड होगी CH3 और यहां पे इसकी रिएक्शन आप करोगे H2N फिनाइल है ना, फिनाइल है यहां पे बेंजीन एसिडिक मीडियम, माइनस होगा H2O, पता ही आपको ये चीज बाहर निकल जाएगी यहां से, और यहां से क्या बचेगा ये C ये H ये CH3 ये डबल बॉन्ड ये N और यहां पर ये आपका बेंजीन जुड़ गया साथ में, क्या लिखा है आगे, ऐसे ही आप लोग रिएक्शन कीटोन के लिए भी कर सकते हो, यहां पर CH3 H2 N और ये बेंजीन एसिडिक मीडियम, ये चीज बाहर निकलेगी माइनस हो जाएगा H2O, ये क्या हो जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड N, गलती हो रही है कुछ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कुछ गलती हो रही है, ऐसा तो नहीं था, इसको देखो तो ये ऐसे था, ये था ऐसे N H2 NH ऐसे था, सो सॉरी भाई, यहां पर N H
यहां पर भी ऐसे नहीं था, ये था NH2, ये तो अमोनिया ही है। अब ये है एक्चुअल में तो NH ऐसे, इसको क्या बोलोगे N, ये NH और ये है इस तरह से फिनाइल, इसे क्या बोलेंगे फिनाइल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है ना, फिनाइल हाइड्रोजन है तो ये क्या बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए फिनाइल हाइड्रोजन हो चुका, इस पे चलते हैं। आपके पास यही है एल्डिहाइड या कीटोनियम ग्रुप है, एच सी एस थ्री है। अभी क्या होगा, आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे किसके साथ, ऐसे एन एच टू एन एच बेंजीन टू फोर डाइनाइट्रो, यानी यहाँ पे एनओ टू और यहाँ पे एनओ टू एसिडिक मीडियम, ये चीज ऐसे बाहर निकल जाएगी, ये ऐसे माइनस हो जाएगा एच टू, यहाँ पे एच, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी एस थ्री डबल बोन एन, ये एन एच और ये एनओ टू, ये एनओ टू, क्लियर। अगर ऐसे यहाँ पे कीटोन होता तब भी रिएक्शन ऐसी हो जाती, इसे क्या बोला जाएगा टू फोर डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, ये जो बनता है ये क्या बनता है फिनाइल हाइड्रोजोन बनता है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट चीज सेमी कार्बोक्साइड के साथ आपने रिएक्शन करवानी है, तो एल्डिहाइड लिया ऐसे एच सी एस थ्री, अब एल्डिहाइड ले लो कीटोन ले लो, बात रिएक्शन वैसी होनी है। अब सेमी कार्बोक्साइड कैसे होता है, ऐसे होता है एन एच टू, अब इसके साथ जुड़ेगा ना एन एच सी ओ एन एच टू एसिडिक मीडियम, तो भैया ये चीज निकाल दो आप बाहर, माइनस हो गया यहां से एच टू, ये सी, ये एच, ये सी एस थ्री, ये डबल बॉन्ड, ये एन, ये एन एच, ये सी ओ, ये एन एच टू, इसे बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। क्या बोलते हैं इसे, सेमी कार्बाजोन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़े तो ये तो हम कर चुके हैं जो प्रॉपर इसके डेरिवेटिव हैं, अब इनके साथ भी देख लेते हैं बस कैसे रिएक्शन होने वाली है। देखिए आप, ये हमारे पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन एच सी एस थ्री, ठीक है, अमाइन की रिएक्शन कराई आपने एन एच टू एच, थोड़ा सा इसको गर्म किया, इवन एसिडिक मीडियम के भी जुटते हैं, गर्म भी करो तब भी काम चलेगा, ये चीज यहां से बाहर निकलेगी, माइनस क्या हो गया एच टू ओ, ये बन गया एच, ये सी, ये सी एस थ्री, ये डबल बॉन्ड, ये एन और ये एच, इट इज कॉल्ड आईमाइन, इमाइन या इमीन इसे बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर आप अमोनिया के साथ करा रहे तो क्या बन जाता है, इमीन बन जाता है। आगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हो और आप उसकी रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, प्राइमरी अमाइन के साथ, प्राइमरी अमाइन कुछ ऐसे लिख दें, और ये तो एन एच टू है, सी एस थ्री है, सारे रिएक्शन इतनी सिंपल किए हैं भैया, क्या करना पानी से बाहर निकालना है अपने को, क्या बस यहां से बाहर निकाल देना है और कुछ नहीं करना अपने को, ठीक है। बाहर निकल गया वो, ये क्या बन गया, ये एच, ये सी, ये सी एस थ्री, ये डबल बॉन्ड एन और ये सी एस थ्री, इट इज कॉल्ड स्विच ऑफ बेस, इट इज कॉल्ड स्विच ऑफ बेस। और इसी तरह से ये रिएक्शन आप लोग बेंजल्डिहाइड में भी कर सकते हो, ठीक है, लाइक ऐसे किया हमने सी डबल बॉन्ड को ऐसे, ये बेंजीन ग्रुप लगाया है यहाँ पे, ये बेंजल्डिहाइड है, और ऐसे ही आप लोगों ने यहाँ पे एनिलीन लिया, एनिलीन एनएच टू ऐसे, भैया हर जगह पे देखो ना यार एनएच टू तो फिक्स ही रहे हर बार, ठीक है, सभी रिएक्शन में एक ही तरीका तो हमने फॉलो किया है, कुछ और तो फॉलो ही नहीं किया, बार बार क्या करते गए हम, सिर्फ एच टू बाहर निकालते गए, निकाल दो भाई एच टू बाहर, क्या निकलेगा एच टू बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा एच सी, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड, ये एन, बेंजल एनिलीन एंड ये भी एक सिस्टर बेस है, सिर्फ बेस बोल सकते हो, सिर्फ बेस, सिर्फ बेस ऐसे। तो जब आप अमोनिया के साथ कराते हो एल्डिहाइड की रिएक्शन तो अमाइन बनता है, और जब आप इनकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ, प्राइमरी अमाइन के साथ, तब क्या बनता है स्विच ऑफ बेस बनता है। और ये सारी की सारी रिएक्शन है अमोनिया के और इसके डेरिवेटिव्स की, अच्छे से इनके नोट्स बनाओ, याद करो, ऑर्गेनिक का मैंने बताया ना, रिविजन मांग किया ऑर्गेनिक,
अब ऐसे नहीं है कि एक बार पढ़ लिया आपको मैंने पढ़ा रहा हूं समझ में आ गया और काम चल जाएगा पेपर तक याद रहेगा, ऐसा नहीं है। अब ये कोई फिल्म तो है नहीं, हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं माइंड में सेट हो जाता है, ये कार्बन है पानी निकल गया, इससे हमें क्या मतलब, हमारे दिमाग को क्या मतलब, बट हमारे फ्यूचर को मतलब है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हार्ड वर्क। तो देखते हैं अच्छे से। अब देखो मैंने क्या कहा था, एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या है, एक ही माँ बाप की संतान है, हल्का सा डिफरेंस है, मैक्सिमम उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है बट कुछ प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंट भी होती है। अब उन प्रॉपर्टी डिफरेंट में से ही आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि आपके पास है एक एल्डिहाइड RCHO, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हो नॉर्मल कंडीशन में भी, मतलब जो फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लाइक क्या है आपके पास, DNF ग्रुप में पढ़ के भी आएंगे, K2Cr2O7 एक बहुत बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 ये भी एक बहुत बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके बाद नाइट्रिक एसिड HNO3 ये भी एक बहुत बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड मतलब समझते ना, माइल्ड मतलब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक ठीक से, लाइक क्या आपके माइल्ड में टोलेंस रिएजेंट हो गया, ठीक है, टोलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में भी। इसके अलावा बात करें तो फैलिंग सॉल्यूशन ये भी माइल्ड होता है, और ये तो मतलब इससे भी माइल्ड होता है, इससे भी मतलब वीक फैलो होता है, ये इसको ऑक्सीडाइज करवा देते हैं एंड ये बन जाता है RCOOH। क्लियर, मतलब आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है लाइक आपके पास है CH3CHO और आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाना चाह रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ दिस, किसी भी की भी प्रेजेंस में, तो हमने किया भी है ये, तो ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा CH3CHH हो जाएगा। आप कुछ और करना चाह रहे हो लाइक आपके पास है C2H5CHO है, ठीक है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन होगी एंड ये बन जाएगा C2H5COOH। समझ लो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जोड़ो ना, हाइड्रोजन हटाओ ऑक्सीजन जोड़ो, तो आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया एंड एल्डिहाइड से आप लोग क्या बना चुके हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना चुके हो, कन्वर्जन में भी काम आ सकता है, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाइए, ऑक्सीडेशन होती है तो बन जाता है। इसी तरह अगर आपको कीटोन दे रखा हो, बात समझिएगा, कीटोन RC OR और यहां पे आप नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करो तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। तो सर प्रोडक्ट कब बनेगा, क्या कभी नहीं होगी, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगी, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फिर तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, इनके लिए बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसके बाद हमें इनका टेम्परेचर भी हाई रखना पड़ेगा। क्या होती है वाइग्रस कंडीशन, अब मेरी प्रोनाउंसिएशन ऐसी ही है समझ जाना बस, वाइग्रस कंडीशन एंड हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर हमें लेना पड़ता है, इसके बाद हो सकता है पॉसिबल। एक देखिए जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी के एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये दे रखा RCH2C OH CH2R, ये दे रखा है, जी हाँ ये दे रखा है, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट कार्बन, इसको बोल देते हैं सेकंड कार्बन, इसको बोल देते हैं थर्ड कार्बन। मैं बताता हूं अभी क्या होगा, मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन है ना इससे बहुत अलग है। क्या करोगे आप, इसकी ऑक्सीडेशन करोगे, कंडीशन पता ही है वाइग्रस कंडीशन और टेम्परेचर हाई कर दिया तभी होगी, तो पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही होगा क्या, ये बॉन्ड क्लीव करेगा, आपने फर्स्ट और सेकंड जगह से बॉन्ड क्लीव किया एंड तब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, था कि हमने RC ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीजन का जुड़ना, बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ही फिर एंड ये पोर्शन अलग हुआ, ये पोर्शन अलग हुआ RCH2COOH, समझ रहे हो, मतलब क्या होगा, इसमें जो आपकी पेरेंट चेन थी उसमें जितने भी कार्बन थे, 5 कार्बन थे 6 कार्बन थे, जैसे यहां पे फोकस करो 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन वाले ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना, 3 कार्बन थे 3 कार्बन वाले ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब आपके पास मान के चलो यहां पे 1 कार्बन था तो आपके पास 5 कार्बन थे टोटल, मतलब पेंटेन था ये, बट आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना वो 5 कार्बन वाला नहीं बना, वो क्लीव हो गया, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डिग्रेड हो गया ये, टूट गया ये, ठीक है। अच्छा पॉसिबल ये भी था ये यहां से क्लीव हो जाए, पॉसिबल ये भी है कि यहां से क्लीव होता, यहां से ना क्लीव होता, तो कुछ ऐसा होता RCH2 ये CH
और इस साइड क्या बनता आर सी एच टू, सॉरी आर सी एच टू। अब इससे ही इसी कार्बन से सी डबल एच बनाना है। आ रही है बात समझ में या ऊपर से जा रही है? मैं क्या कर रहा हूं, आई थिंक ऊपर से जा रही है ना। चलो मैं एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए देखिए अभी क्या है, यहीं पे करा देता हूं मैं। जैसे आपके पास ये है सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री आपके पास ये है और आप पाइक्रस कंडीशन लेते हो, इसकी ऑक्सीडेशन करते हो, देन क्या होगा, पॉसिबल है कि ये बोन यहां से क्लीव हो जाए या एक तरफ में ज्यादा कार्बन कर लो तब मजे वाली बात बनेगी। सी टू एच फाइव कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है ऐसे कर दिया हमने इसको यहां से क्लीव कर दिया तो ये कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच। इस तरफ कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो ये क्या बन गया सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच। सुन पा रहे हो, अब यहां से क्लीव नहीं किया मैंने, इसको यहां से क्लीव कर दिया तो इस साइड कितने कार्बन रहेगा मेरे पास, तीन, तो तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तीन कार्बन वाला कैसे सी टू एच फाइव सी डब्ल्यू एच। एंड इस साइड कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है एच सी डबल ओ एच। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? मतलब पहली तो बात देखिए, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करना आसान टास्क नहीं है, इसके लिए बहुत वाइग्रस कंडीशन होंगी। दूसरी बात क्या है कि आप जितने कार्बन लेके कीटोन को उसकी ऑक्सीडेशन कराने जाओगे उतने कार्बन नहीं मिलेंगे, बहुत से कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिलेगा, तो ये इसकी प्रॉपर्टी अलग है। क्लियर? जैसे कि हम ऐसे मान के चलते हैं आपके पास ये बेंजीन सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एस थ्री, मान लो ऐसे, तो आप इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हो, सारी कंडीशन जो इनके ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए वो हमने दी, तो पॉसिबल है कि ये बॉन्ड यहां से क्लीव हो, पॉसिबल है ये बेंजीन सी एच टू बेंजीन सी एच, इसके साथ लगेगा बेंजीन सी डबल एच। एंड पॉसिबल ये भी है, नहीं ये पॉसिबल है, तो ये तो प्रोडक्ट बनेगा, दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो सी एस थ्री सी डबल एच। एक बार, अब दूसरी बात क्या पॉसिबल है कि ये बॉन्ड यहां से क्लीव ना करे, ये बॉन्ड यहां से क्लीव करे। अच्छा जो क्यूटोनिक ग्रुप है ना उसके इधर उधर से क्लीव करवाना है, इसको इस तरफ रखो तो क्या बनेगा एक प्रोडक्ट आपका, ऐसे बेंजीन सी एच टू, उसके ऊपर एक और कार्बन है सी डब्ल्यू एच, और इस तरफ एक ही कार्बन बचा, एक ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है एच सी डब्ल्यू एच। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो ये है अगर हम बात करते हैं नॉर्मल ऑक्सीडेशन की। अब बात यह है कि सर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये जो टोलेंस रिएजेंट है, ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है क्या होता है, ये देखेंगे सेपरेट इनकी वीडियो देखोगे आप लोग, मजा आएगा। चलिए चिपकाओ इसको जल्दी से, अभी आप लोगों की शिकायत दूर कर रहा हूं मैं कि जो बच्चे कह रहे सर एल्डिहाइड कीटोन्स को निपटा दो, सॉरी हाँ अभी मैं जुड़ गया हूं, तुम भी जुटो, निपटाओ इसको जल्दी से और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, सो दैट की मोटिवेशन आता है, चल निपटाओ इसको जल्दी। तो अभी बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में टाइप है फर्स्ट टोलेंस रिएजेंट टेस्ट का, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बात करते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 100% चांसेस है कि इससे क्वेश्चन बने। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी हम देखेंगे, पहले लॉन्ग कट देखेंगे फिर शॉर्ट कट देखेंगे। स्टार्ट करते हैं तो टोलेंस रिएजेंट, पहली बात तो ये है कि होता क्या है, बनता कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो ये क्या होता है, अमोनिकल सोल्यूशन होता है, अमोनिकल सोल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सॉल्यूशन है किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। बनेगा कैसे सर ये, आप लोग सिल्वर नाइट्रेट फोकस कीजिएगा ध्यान से, एंड उसकी रिएक्शन करवाओ आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ NH4NO3 के साथ, तो आप यहां पे क्या लोगे, टू टाइम्स लोगे अमोनियम नाइट्रेट, एंड ये क्या हो जाएगा, ये भी टू टाइम्स ले लो, ये आपका बन जाएगा Ag2O, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड इसे बोलते हैं, एंड ये दो अमोनियम दो NO3 के साथ जुड़ेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना, सॉरी आपने यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट नहीं लेना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना, तो ये NO3 इन NH4 के साथ जुड़ेंगे, ये क्या बन जाएगा 2NH4NO3। एंड जो बच गया, क्या बच गया सर, देखो ये दो OH थे, एक ऑक्सीजन का यूज हो गया, दो H एंड O बच गई, तो ये बन गया H2O। एक बात मैं बताता चलूं, ये जस्ट मैं भी समझा रहा हूं, आपको याद नहीं रखनी है, मैं बताऊंगा कि याद क्या रखना आपको, तो ये बन गया Ag2O
अब इस Ag2O को आप लोग दोबारा ट्रीट करोगे विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? डाई अमाइन सिल्वर के अंदर, ठीक है, डाई अमाइन सिल्वर। ऐसे होता है ना, NH3 ट्वाइस Ag। और यहां पे एक और चीज लगती है, यहां पे लगता है OH, ये टू टाइम्स लगता है। इसके अलावा बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं यहां पे, यहां पे अमोनिया बनता है NH3, यहां पे वॉटर भी बनता है। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे भाई आप लोग, फोकस कीजिए। तो जरा यहां पे आपने इनको चार लिया है, तो वो कितने लेने पड़ेंगे? वो कुछ नहीं लेने पड़ेंगे आपको, एक्चुअल में हमने चार लिए, चार के चार यूज हो गए हैं, तो अमोनिया नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे वॉटर बनेगा। क्या बनने वाला है? वॉटर बनने वाला है। एंड ये जो है ना, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं, टोलेंस रिएजेंट। कई जगह पे आपको कैसे देखने को मिलेगा, कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे, Ag(NH3) ट्वाइस, ऐसे OH अलग हो गया, तो यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहां पे सिल्वर के ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस वन, इसी को बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। और कई जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, Ag पॉजिटिव सिंपल, इसको भी क्या बोल दिया गया, टोलेंस रिएजेंट। क्योंकि अमाइन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है, तो टोटल बेस पे चार्ज प्लस वन आएगा, तो टोलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना, ये होता है टोलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला, Ag(NH3) टू एंड ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है। तो अभी क्या होगा, कैसे ये हेल्प करता है, आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है, कैसा भी है, एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, कैसा भी एल्डिहाइड है, लाइक आपके पास ये है RCHO, आप लोग क्या करोगे, इसमें डालोगे टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट क्या है, Ag(NH3) ट्वाइस पॉजिटिव एंड इन बेसिक मीडियम। मीडियम क्या लेना पड़ेगा आपको, बेसिक लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है, ये जो एल्डिहाइड आपने लिया है, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, RCOOH के अंदर, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, एल्डिहाइड की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। वो कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, एंड प्लस में बनेगा यहां पे सिल्वर, ऐसे सिल्वर बन देगा, ठीक है। आपको इसके दो मोल लेके चलने पड़ते हैं, तो यहां पे इसके भी दो बन जाते हैं। अब देखिए क्या है, ये Ag पॉजिटिव से Ag बन गया, तो सिल्वर पे ये रिडक्शन, इस टॉपिक को हम लोग बोल सकते हैं टोलेंस रिएजेंट रिडक्शन भी बोल सकते हैं, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर इसका बड़ा फेमस नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर मिरर टेस्ट, होता है क्लियर। अभी देखिए जो सिल्वर बना ना, एकदम से मतलब देखिए, जैसे एल्डिहाइड की और टोलेंस रिएजेंट की रिएक्शन होती है ना, तो इनके बीच में रिएक्शन पॉसिबल है। ये क्या कर सकता है, हमने जैसे कि इस ऑक्सीडेशन में पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, एंड जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो मतलब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मीडियम दर्जे के होते हैं, जैसे कि टोलेंस रिएजेंट, वो भी उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अभी आपको कैसे पता लगेगा कि ये एल्डिहाइड है, जैसे ही आप एल्डिहाइड में डालोगे, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, एंड वहां पे सिल्वर मिरर अपीयर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कि दिख सकते हैं कि हाँ एकदम से सिल्वर मिरर की लेयर बन जाएगी, सिल्वर की लेयर बन जाएगी, क्लियर। कैसा भी एल्डिहाइड हो, अब पेपर में बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, शायद आप लोगों ने देखा, सबसे ज्यादा चांसेस इस क्वेश्चन के बनते हैं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, कि आपको दो चीज दे दी गई है, आप उनमें प्रोपेनोन, आप उन दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, किस किस में भाई, प्रोपेनल में एंड प्रोपेनोन में कैसे करोगे भाई। प्रोपेनल किसे कहते हैं, CH3 CH2 CHO, प्रोपेनोन किसे कहते हैं, CH3 C(O) CH3। फोकस कीजिएगा अभी मेरी बात पे, क्या होगा, तो ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन, आप इसमें डाल दो टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट क्या, 2Ag(NH3) ट्वाइस एंड इस पे पॉजिटिव चार्ज एंड इन बेसिक मीडियम, तो क्या होगा यहां पे R नहीं, CH3 CH2 CH कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एंड प्लस में क्या बनेगा, जो मेन है सिल्वर मिरर, क्या बनेगा, सिल्वर
मिरर। सेम आप यहां पे करोगे कीटोन के साथ, इसमें क्या डालोगे, टोलेंस रिएजेंट डालोगे, 2AgNH3 बेसिक मीडियम में लो इसको भी, तो आप देखोगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुई, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जबकि जब आपने प्रोपेनॉल लिया तो रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बना और वहां पे सिल्वर मिरर भी अपीयर हुआ। अगर कुछ क्वेश्चन ये भी आ सकता है इसी तरह से, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या फिर एसिटल्डिहाइड इसे बोलते हैं, एंड एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। तो भैया क्या करें, क्या करें, बेंजल्डिहाइड किसे कहते हैं, बेंजीन के ऊपर जब CHO लगा हो, ठीक है। देखो वैसे बेंजल्डिहाइड की ना देखिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट टोलेंस रिएजेंट करवा सकता है, टोलेंस रिएजेंट इतना स्ट्रॉन्ग तो है कि वो इसके ऑक्सीडेशन करवा सकता है। आपने क्या लिया, 2AgNH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, OH नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिक मीडियम, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, बेंजोइक एसिड में, होप कि दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो समझ आना बेंजोइक एसिड है यहाँ पे, एंड प्लस में सिल्वर मिरर बनता है, AG बन जाता है, क्या बन जाता है, सिल्वर मिरर अपियर हो जाता है, जैसे जिससे कि आपको पता लगे कि हाँ यार ये एल्डिहाइड है। अगर हम बात करें एसिटोफिनोन की, एसिटोफिनोन होता है ये बेंजीन CO CH3, इट इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। आप इसमें टोलेंस रिएजेंट डालोगे तो क्या हो जाएगा, 2AgNH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, नो रिएक्शन। क्यों सर नो रिएक्शन क्यों, जैसा कि मैंने बोला ये कीटोन है, दोनों तरफ कार्बन वाले ग्रुप लगे हैं, कीटोन है, और कीटोन की अगर आपको ऑक्सीडेशन करवानी है तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, आपको हीट भी करना पड़ेगा, अच्छे वाला हीट करना पड़ेगा, तब होगी, और तब भी क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, इसके बॉन्ड क्लीव हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया ये टेस्ट रहता है, अगर आपको कभी भी डिस्टिंग्विश करना आ जाए किसी एल्डिहाइड के बीच में और किसी कीटोन के बीच में, बेस्ट रहता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया ना वो ये आया है, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन, ऐसे ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेनॉन से रिलेटेड भी आ सकता था, चिपकाओ इसको जल्दी से। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मतलब टेस्ट की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैनिंग सोल्यूशन, नाम भी सुना होगा और अभी याद रख लो, वैसे ऑर्गेनिक ही चल रही है, ऑर्गेनिक में क्या काम आएगा ना, ऑर्गेनिक में काम है, ऑर्गेनिक ही चल रही है। फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, इसको हम फैलिंग सॉल्यूशन रिडक्शन भी कह सकते हैं। तो इस टेस्ट को हम आगे बढ़ाएं तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फैलिंग सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। देखो जनरली आप लोग ना पेपर में क्या लिख के आ सकते हो फैलिंग सॉल्यूशन को, इस तरह से, ये है भैया फैलिंग सॉल्यूशन, बात खत्म हुई, ठीक है। बट आपको अपने नॉलेज के पता भी होना चाहिए बनता कैसे है। फैलिंग सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस होते हैं, लाइक ए फैलिंग सॉल्यूशन, ए फैलिंग सॉल्यूशन बी। तो फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, जो एक्वस कॉपर सल्फेट होता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन ए, कि ऐसे ऐसे CuSO4 5H2O। इसमें हम जोड़ते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसे कहते हैं फैलिंग सॉल्यूशन बी, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रेट इसे हम लोग रोसेल साल्ट भी बोल सकते हैं, रोसेल साल्ट, रोसेल सॉल्ट कहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ये COOKCOO NA एंड यहां पे लगे होते हैं OH OH HH। इन दोनों का हमने मतलब एक्वो सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का एंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का इक्वल अमाउंट लेना होता है, तब जो मिक्सचर बनकर निकलता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैलिंग सोल्यूशन बोलते हैं। उसका कलर होता है डीप ब्लू, डीप ब्लू कलर होता है। तो अभी क्या होगा, लाइक हमारे पास कोई एल्डिहाइड है RCHO है, हमने इसमें क्या लिया, हमने इसमें लिया फैलिंग सॉल्यूशन CU2+, इसका कलर क्या होता है, डीप ब्लू, डीप ब्लू कलर इसका होता है। एंड इसको अपने लेना है बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव में,
तो अभी क्या होगा, ये जो आपके पास क्या है एल्डिहाइड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में या कार्बोक्सिलिक आयन में, कार्बोक्सिलेट आयन से बोलेंगे, क्लियर। एंड प्लस में क्या बनेगा आपके पास, बनेगा CU2O एंड प्लस में वॉटर भी बनता है। बैलेंस करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन बात है समझना कि बनता क्या है एल्डिहाइड। मैंने आपको देखिए जो पहली ऑक्सीडेशन जिसमें मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड के जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि हम यहाँ पे आयनिक फॉर्म में ले रहे हैं तो आयन भी बना सकते हैं। वरना सिंपल आप जैसे आपको ये दिया है, मान लीजिए लोग आपको दिया गया ये CH3CHO, उसमें डाला गया CU2 पॉजिटिव एंड इन बेसिक मीडियम, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में CH3COOH एंड प्लस में CU2O, क्लियर है। अब इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, कैसा कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर होता है, और एक्चुअल में तो हमें कलर चेंज से ही पता लगेगा ना कि हाँ यार कोई चीज बनी है यहाँ पे, समझ रहे हो। जैसे टॉलरेंस रिएक्शन टेस्ट था उसमें क्या होता था, सिल्वर मिरर अपियर हो जाता था तो हमें पता लगता था कि ये चीज एल्डिहाइड है। ऐसे ही जब हम एल्डिहाइड पे फैलिंग सोल्यूशन डालेंगे तो हमें साथ में क्या मिलेगा, रेडिश ब्राउन मिक्सचर मिलेगा, एक रेडिश ब्राउन कलर अपियर हो जाएगा वहां पे, तो हमें पता लगेगा ये एल्डिहाइड है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कीटोन लू, अगर मैं यहाँ पे कीटोन ले लेता हूं और उस पर डालू टोलेंस फैलिंग सोल्यूशन, और फिर हम सोचे कि कुछ हो तो कुछ भी नहीं होगा। रीजन क्या है कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, एक वीक कह लीजिए, वीक भी नहीं कहेंगे, मीडियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे ये फर्क शो नहीं करता। तो अगर आपका क्वेश्चन आ गया हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन, प्रोपेनल नल पे ये फर्क शो करेगा, प्रोपेनॉन पे कोई भी फर्क शो नहीं करेगा, हमें पता लग जाएगा। जिसमें कुछ कलर अपियर हुआ है रेडिश ब्राउन कलर अपियर हुआ है मतलब वो एल्डिहाइड है, जिसमें कुछ भी कलर चेंज नहीं आया मतलब वो कीटोन है। अभी बात समझिए कि जो फैलिंग सॉल्यूशन है, फैलिंग सॉल्यूशन इज बीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन टोलेंस रिएजेंट। ये टोलेंस रिएजेंट के कंपैरिजन में एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लियर। मतलब अगर आप यही काम देखो, जैसे आपके पास बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड आपने लिया और अगर आप इसमें टोलेंस रिएजेंट डाल लो तो आपको फर्क शो होता था, यहां पे ये CH3 बन जाता था। और अगर आपने यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिया और फिर आप सोचो कि कुछ फर्क होगा तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये यहाँ पे चेंज हो नहीं करता है भाई, क्लियर होती है बात। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन आ गया मान के चलो, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनल एंड बेंजल्डिहाइड, या किसी भी तरह से आ सकता है, मतलब साइक्लोहेक्सेनल एंड बेंजल्डिहाइड इस तरह से आ गया। अब दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप लगा है भाई, यहां पे CHO CH3, यहां पे बेंजीन के ऊपर CHO, अब दोनों एक ही फैमिली है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इथेनल है कौन सा बेंजल्डिहाइड है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फैलिंग सॉल्यूशन डाल देंगे, इसमें भी फैलिंग सॉल्यूशन डाल देंगे, तो क्या होगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि हमने लिखा, क्योंकि फैलिंग सॉल्यूशन एक्चुअल में टॉलरेंस रिएजेंट के कंपैरिजन में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। बट टोलेंस रिएजेंट की बात करें, सॉरी टोलेंस रिएजेंट पे नहीं जाना, फैलिंग सॉल्यूशन पे जाना है, तो वो क्या कर सकता है, इसको कन्वर्ट कर सकता है CH3COOH में एंड यहाँ पे बन जाएगा CU2O, दैट इज ब्राउन आपको मिक्सचर मिल जाएगा, क्लियर होती बात नहीं आती है। तो मतलब ये टेस्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अगर आपको एल्डिहाइड में भी डिस्टिंग्विश करना आ जाए, मतलब एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। बेटा क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, टेस्ट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इन्हीं टॉपिक में से बनते हैं, सबसे ज्यादा टोलेंस रिएजेंट फैलिंग सॉल्यूशन एंड इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं हैलोफॉर्म टेस्ट। होप कि ये क्लियर हो गया। मतलब कोई भी अगर आपका एल्डिहाइड है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, साथ में रेडिश ब्राउन मिक्सचर भी बन जाएगा। बट अगर आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है या आपके पास कीटोन है तो वहां पे फर्क नहीं शो करने वाला, चिपकाओ इसको। चलिए तो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारी है ये एनसीईआरटी में दी हुई है, टॉपिक का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन।
मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब हैलोफॉर्म से आपको वर्ड मिलता जुलता लग रहा होगा आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म बहुत फेमस है बट उसको अलग से करेंगे। हैलोफॉर्म को समझते हैं, हैलोफॉर्म क्या होती है, क्या हमें इसमें करना होता है। हम इसमें कह सकते हैं मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन के लिए बेस्ट है। यहां पे कुछ भी लगा हो सकता है बट एक तरफ आपको मिथाइल कीटोन लेना पड़ेगा और उसकी रिएक्शन आपको करवानी पड़ेगी विद सोडियम हाइपोहैलाइड, हाइपोहैलाइड बोले तो एन ए ओ एक्स, इसे बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड। अगर ये है एन ए ओ सी एल, इसे आप लोग क्या बोलोगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगर ये है एन ए ओ आई, ये होगा हैलाइड ना, क्लोराइड, ये होगा सोडियम हाइपो आयोडाइड। ठीक है, अगर यहां पे ये एन ए ओ बी आर, ये होगा सोडियम हाइपो ब्रोमाइड। फोकस करना मेरी बात पे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप क्या करते हो, आपने लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, जहां पे ये आर कुछ भी हो सकता है, ये सैचुरेटेड हो सकता है, ये अनसैचुरेटेड हो सकता है, और ये बेंजीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इसके एक तरफ मिथाइल लगा होना चाहिए। अगर ऐसा है, आपने इसकी रिएक्शन करवा दी विद एन ए ओ एक्स, फोकस करना, आपने इसकी रिएक्शन करवा दी विद एन ए ओ एक्स, तो क्या होगा, यहां पे आपके पास बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड बनेगा एक, और दूसरा बनेगा आपके पास हैलोफॉर्म, बोले तो सी एच एक्स थ्री। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है भाई। आपने क्या लिया, आपने मिथाइल कीटोन लिया, उसकी रिएक्शन करवा दी आपने सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ, तो क्या बनेगा, एक तो सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड बनेगा। अब देखो, मान लो ये दो कार्बन है, दो और एक तीन और एक चार, चार कार्बन है, बट जो आपका सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड बनेगा ना, वो तीन कार्बन वाला बनेगा। क्यों सर, क्योंकि एक कार्बन से तो आप हैलोफॉर्म बना रहे हो ना, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। जैसे कि हमारे पास है एसीटोन, एसीटोन किसे कहते हैं, प्रोपेनोन को कहते हैं, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, मान के चलो कि ये है, इसकी रिएक्शन आप करवाते हो किसके साथ, NaOH के साथ, NaOH में मान के चलो NaOI ले लिया, सोडियम हाइपो आयोडाइड ले लिया। अभी क्या होगा भाई, ये मिथाइल कीटोन है या नहीं है, इसके तो सोने भी सुहाग है, ये तो दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, हम तो एक तरफ की बात करें कि एक तरफ तो होना ही चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए, एंड प्लस में क्या बनेगा, अब यहां पे देखो आई लिया है ना, तो यहां पे बनेगा आयोडोफॉर्म। वैसे ये बेस्ट रहती है आइडोफॉर्म वाली, क्योंकि आइडोफॉर्म का जो कलर होता है ना, इसके येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। इवन आप स्कूल में नहीं तो कॉलेज में शोरली सी रिएक्शन को करोगे, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो कॉलेज में, तो येलो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि हाँ यार यहाँ पे है। अगर मान के चलो एक फेमस क्वेश्चन आ जाता है दैट की हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन टूओन एंड पेंटेन टूओन, पेंटेन टूओन क्या होता है, कुछ ऐसे होता है ना, सी एस थ्री सी एस टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टू सी एस थ्री, सॉरी ये पेंटेन थ्री ओन हो गया, पेंटेन थ्री ओन हो गया ये। अब इस पे आप क्या डालोगे, सोडियम हाइपो आयोडाइड एन ए ओ आई, एंड यहां पे नो चेंज। क्यों सर नो चेंज, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपके पास क्या होना चाहिए, मिथाइल कीटोन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिथाइल कीटोन होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको, बहुत ही ज्यादा, कि आपके पास एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो आप चेंज करेगी, अदरवाइज ये चेंज शो नहीं करेगी। मान के चलो कि हमारे पास आ गया हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल, प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल, ये आ गया भाई। प्रोपेनोन क्या होता है, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, और प्रोपेनल क्या होता है, सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू, ये होता है ना।
प्रोपेनल। अभी वैसे तो हम यहाँ पे वो टेस्ट भी लगा सकते हैं, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट लगा सकते हैं, इसमें चेंज आएगा इसमें चेंज नहीं आएगा, फैलिंग सॉल्यूशन वाला टेस्ट लगा सकते हैं, इसमें चेंज आएगा इसमें चेंज नहीं आएगा। बट कोई ऐसे भी तो टेस्ट हो जो कीटोन को दिखा रहा हो कि हाँ भाई कीटोन में चेंज आ रहा है, तो वो है ये हैलोफॉर्म वाला। अभी आप इसमें क्या कराओगे, इसकी रिएक्शन करवाते हो विद एन ए ओ आई, तो क्या बनेगा, तीन कार्बन लिया ना, तो दो कार्बन वाला एसिड बनेगा सी एस थ्री सी डब्लो एन ए, एंड प्लस में बनेगा हाइड्रोफोन सी एच आई थ्री, और इसमें जब आप डालोगे एन ए ओ आई देन यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली बताइए, फोकस कीजिए इस बात, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि इस रिएक्शन पे कॉपीराइट किसको हो चुका है, मतलब ऐसा नहीं है कहीं और नहीं लगा सकते, कहीं और लगा सकते हैं, मतलब दो तीन जगह लगा सकते हैं, बट अगर हम बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से बात करें तो इस पे कॉपीराइट आ चुका है किसका, कीटोन का। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, यही क्वेश्चन बहुत बार किया भी है कि एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन है बेंजीन सीओ सी एच थ्री ये है, एंड दूसरा है बेंजीन सी एच ओ बेंजल्डिहाइड। अब आप इन दोनों पे चेंज करना चाहते हो तो बताइए क्या होगा, अगर आप यहां पे सोडियम हाइपोहैलाइड डालते हो एन ए ओ आई तो चेंज आएगा या नहीं आएगा, फोकस कीजिए, क्योंकि भैया ये कीटोन जो है मिथाइल है, एक तरफ मिथाइल एक तरफ ही लगवाना चाहिए, एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे चेंज आएगा, क्या बनेगा, देखो ये यहां से क्लीव हो जाता है, ये जो सी एच थ्री है ये तो बना लेता है सी एच आई थ्री, और ये क्या बन जाता है बेंजीन सी डबल ओ एन ए, और अगर आप यहीं पे भी डालते हो सोडियम हाइपो आयोडाइड एन ए ओ आई कोई भी चेंज नहीं आने वाला, वो भी लगा सकते हैं, अगर तीन नंबर का क्वेश्चन आ गया तो तीन आपको टेस्ट दिखाने पड़ेंगे ना, तो तीनों लगा लोगा बेस्ट रहेगा ये, तो ये है हमारे। अच्छा एक आपको दे रखी है, जैसे कि एनसीईआरटी की बात करता हूं मैं, एनसीईआरटी में आपको ना कुछ ऐसे दिया हुआ है सी डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री एच सी एस थ्री, ऐसे नहीं है, फिर ये सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। अब मैंने क्या कहा, आपने सिर्फ देखना कि मिथाइल कीटोन है कहीं पे, और ये रहा मिथाइल कीटोन, अगर ये है ना तो 101% यहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शन करेगा, हैलोफॉर्म बनेगा, सॉरी हैलोफॉर्म बनेगा। आप इसकी रिएक्शन करा सकते हो एन ए ओ सी एल के साथ करवा लो, एन एम आई के साथ भी करा सकते हो, जिसके साथ आपका दिल मानता हो उसके साथ करवा लो, तो ये इसके साथ अगर ये आपने देखना है हैलोफॉर्म बनाने के लिए ये है, तो अभी टेस्ट लगाओ तो क्या होगा, ये पोर्शन ब्रेक होगा, ये क्या बनाएगा, ये सी एस थ्री क्या बनाएगा सी एच आई थ्री हाइड्रोफॉर्म बना लेगा, और ये बाकी बचा जो पोर्शन है एच सी सी एस थ्री डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे ओ एन ए आ जाएगा, सी एच आई थ्री बनेगा क्या भाई, जब सी एल लिया तो सी एच सी एस थ्री बनेगा ना, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो ये है रिएक्शन जिसे हम लोग कहेंगे रिडक्शन ऑफ सॉरी ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन, एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको पढ़ेंगे हाइड्रोफॉर्म को, बहुत अच्छे से गारंटेड वो भी पेपर में आएगी वो ही पेपर। और एक और बात, ये सारे रिएक्शन हम कहते हैं कि सीबीएसई क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, बट ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो दो बार तीन बार चार बार पेपर में आई है, वही रिएक्शन मैंने पिक किए हैं, जो एक बार नहीं आई उनको मैंने पिक नहीं किया है। तो सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है एच वी जेड रिएक्शन, एच वी जेड रिएक्शन। कैसे मैं इसको सिंपली करूंगा समझिए, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म हुआ करती है हल वुलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। अब देखिए इसकी सिंपल सी ट्रिक क्या रहेगी, कैसे मैं इसको सिंपली याद रख सकता हूं, हम बोल रहे हैं एक भाई साहब थे एच वी जेड और उनके पास है कार, क्या है एच वी जेड भाई साहब के पास क्या है कार है, हम बोलते हैं हेलो, इसको हम ब्लू पेन से कर लेते हैं ज्यादा सिंपल रहेगा आप लोगों के लिए, हेलो वीर जी कार की हैलोजिनेशन कर दूं, एचवीजेड भाई साहब है उनके पास कार है और हमने क्या बोल रहे हैं हेलो वीर जी कार की हैलोजिनेशन कर दूं, और इस बात पे वीर जी क्या हो गए लाल पीले हो गए, लाल पीले यानी रेड पी रेड फास्फोरस। तो ये रिएक्शन है, ये सब कुछ इसकी सिंपल सी ट्रिक है, आप समझिए मतलब क्या है इस बात का,
हेलो वीर जी, समझ में आ रहा होगा H2ZHNA कार, कार यहाँ पे यूज हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, आप लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, वो जुड़ा हुआ है एक कार्बन के साथ जिसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे, इसके पास जो हाइड्रोजन लगे हैं उन्हें बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब इसकी हैलोजिनेशन करनी है, हैलोजिनेशन मीन्स आप इसकी क्लोरीनेशन कर सकते हो, आप इसकी ब्रोमिनेशन कर सकते हो, मैं इसकी क्लोरीनेशन करवा रहा हूं, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो क्या होगा, देखिए दो Cl है, इनमें से एक Cl यहां पे अटैक करेगा और एक H को रिप्लेस कर देगा, ये बनेगा CH2Cl COOH। देखिए ये Cl इधर गया, इधर से तो जाएगा H, माइनस हो गया आपका HCl, ओके नोट। फिर मैं इसकी दोबारा, देखिए ये रिएक्शन यहां पे खत्म है, बट अगर आप आगे करना चाहते हो, आगे भी कर सकते हो, इसकी रिएक्शन आप दोबारा करवा देते हो विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो क्या होगा, इन दो Cl में से एक Cl ने दोबारा अटैक करना है इस कार्बन पे, ये बन जाएगा हमारा CH Cl2 COOH। ये Cl इधर आया, ये Cl2 बना, H उधर गया, माइनस क्या होगा आपका HCl। अब इसकी रिएक्शन दोबारा किसके साथ करोगे, विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, क्या होगा, दो क्लोरीन है, ये क्लोरीन दोबारा अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, तो ये क्या बनेगा CCl3COOH, ओके नो, ये Cl इधर गया, H उधर, माइनस क्या होगा आपका HCl। तो ये है जी हमारी सिंपल सी HVZ रिएक्शन, रिपीट कर रहा हूं, ट्रिक है, हेलो वीर जी, कार की हैलोजिनेशन कर दूं और वीर जी हो गए लाल पीले। हैलोजिनेशन मीन्स आप इसकी क्लोरीनेशन कर सकते हो, ब्रोमिनेशन कर सकते हो, ओके, किसकी, एक कार की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसके पास की अल्फा हाइड्रोजन हैं। आपने करना क्या है, बार बार इन हाइड्रोजन को हटाना है, मतलब तब तक हटाते रहने जब तक ये हट ना जाए सारे के सारे, पहले यहां पे तीन हाइड्रोजन थे बट एंड में जब हम पहुंचते हैं तो यहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ओके क्लियर है। नेक्स्ट नेम रिएक्शन देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारी नेम रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन। इसको हम कैसे आसानी से याद रख सकते हैं, सिंपल सी, पहले तो ट्रिक देखते हैं, इसकी ट्रिक क्या रहेगी, देखिए इसकी सिंपल सी ट्रिक रहेगी, स्टीफन श्याणा एल्डिहाइड बना गया, एल्डिहाइड बना गया, ये है जी इसकी सिंपल सी ट्रिक। स्टीफन यहां पे वर्ड यूज हो रहा है स्टीफन रिएक्शन के लिए, श्याणा दिख रहा होगा आपको, सी वाई श्याणा नहीं बन सकता बट मैंने सी वाई लिया है, क्योंकि ये साइनाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे आप एक साइनाइड लोगे, एलिफैटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, मान लीजिए कि आपने यहां पे एलिफैटिक लिया है CH3 CH3 Cl। अब इससे आपने क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, श्याणे से एल्डिहाइड बनाना है, यानी आप क्या करोगे CH3 CHO, ये तो बना दिया, ये तो स्टीफन रिडक्शन है। अब आप इसमें डालोगे क्या चीज, एक्स्ट्रा भी तो कुछ डालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपने क्या रखना है, सोनू टकले हल्का पानी उबाल ऑर्डर कर रहा है स्टीफन शाणे ने क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया, और फिर वो सोनू टकले को ऑर्डर कर रहा है कि हल्का पानी उबाल। क्या होता है सोनू टकला मीन्स टेनस क्लोराइड SnCl4, हल्का मीन्स HCl, और पानी समझ में आ रहा होगा H2O, उबाल मीन्स यहां पे आपने पानी बॉइल करना है, तो आपका क्या बन जाएगा, साइनाइड से एल्डिहाइड बन जाएगा। आप यही रिएक्शन एरोमेटिक साइनाइड के लिए भी कर सकते थे कुछ इस तरह से, बेंजीन CN बेंजोनाइटाइल बोलते हैं इसे हम, स्टेनस क्लोराइड SnCl4 HCl H2O, बॉइल करना इसको, एंड देन क्या होगा, ये आपका बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन CH2। तो ये है हमारी स्टीफन रिडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे नेम रिएक्शन है वोल्फ किसनर रिडक्शन एंड टुलमेंशन रिडक्शन। इन दोनों को मैंने इकट्ठा क्यों रखा है, कॉज ये दोनों ही नेम रिएक्शन सेम है, दोनों में रिएक्टेंट सेम होते हैं, दोनों में प्रोडक्ट सेम होता है, बीच में जो थोड़ा सा आपने ये कह लीजिए कि कैटलिस्ट डालना है वो थोड़ा सा अलग है। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, इन दोनों में ही एक जो ट्रिक आपने याद रखनी है वो है AK चला हाई कोर्ट। सिमिलरली यहां पर भी AK चला
हाई कोर्ट। अब यहां पे जो एके है ये कोई और एके है और ये जो एके है ये कोई और एके है। यहां पे जो एके है वो अक्षय कुमार की बात हो रही है, यहां पे जो एके है वो अरविंद केजरीवाल युग पुरुष सबसे फेमस पॉलिटिशियन अरविंद केजरीवाल जी की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी अगर आपको याद हो वो जब हाईकोर्ट गए थे वो किसके अगेंस्ट गए थे, अगेंस्ट अरुण जेटली। यहां पे हर एक वर्ड का मीनिंग बनेगा ये बात आपने देखनी है। और इसको कैसे याद रखोगे, एके चला हाई कोर्ट, इसको ऐसे याद रखो वो कृष्णा को याद करके, कृष्णा भगवान, वो मैं एक और फिल्म बनाई थी जोली आर भी फिल्म बनाई थी जिसमें ये हाईकोर्ट के लॉयर होते हैं। एके चला हाईकोर्ट बस्कर हाइड्राजीन, बस्कर हाइड्राजीन। देखो जी अब ये तो बात है कि ट्रिक, इसमें एके चला हाईकोर्ट, इसमें भी एके चला हाईकोर्ट, इसमें अगेंस्ट अरुण जेटली, इसमें है बस्कर हाइड्राजीन। और वर्ड कृष्णा को कैसे याद रखोगे, वो कृष्णा को याद करके एके चला हाईकोर्ट। यहां पे एके एक्चुअल मीनिंग है कि आप एल्डिहाइड लोगे या फिर किटोन लोगे। हाईकोर्ट, हाईकोर्ट वर्ड यहां पे यूज हो रहा है फॉर हाइड्रोकार्बन, कि एल्डिहाइड या किटोन से आप क्या बनाने वाले हो, हाइड्रोकार्बन बनाने वाले हो। सिमिलरली यहां पर भी एके मतलब है एल्डिहाइड, किटोन लोगे और उससे आप क्या बनाओगे, हाइड्रोकार्बन बनाओगे। ओके है बात, अब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने एक एल्डिहाइड लिया CH3CH2 ले लिया, अब क्या करोगे आप लोग, हाईकोर्ट लेके जाना है और बस्कर हाइड्रोजन, बस्कर हाइड्रोजन मीन्स यहां पे हाइड्रोजन डाल लोगे, ये होता है H2N NH2 एंड सेकंड बस यानी यहां पे बेस भी ऐड करोगे आप NaOH या फिर KOH और इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दो। हाइड्रोकार्बन मतलब कैसे, रिडक्शन वर्ड भी यूज किया है, रिडक्शन वर्ड यूज करने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन हटेगा वहां पे हाइड्रोजन की एंट्री आप करोगे, ये बन जाएगा आपका CH3। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि यहां पे आप एल्डिहाइड नहीं ले रहे हो, कीटोन सेम है, बस यहां पे थोड़ा डिफरेंस है बाकी सेम है। यहां पे आप कीटोन ले रहे हो कुछ ऐसे CH3CO CH3 और ये भी कहां जा रहा है, हाईकोर्ट जा रहा है। हाईकोर्ट मतलब इसको भी आप किसमें कन्वर्ट करोगे, हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन ही होंगे, तो क्या करोगे CH3 इस ऑप्शन को उड़ाओगे, इसके देखो हाइड्रोजन की एंट्री कराओगे CH2 CH3। अब देखिए अरुण जेटली मीन्स यहां पे जो कैटलिस्ट लेना है वो लेना है अमलगेटेड जिंक मरकरी के साथ जब मिलकर अलॉय बनाता है उसे बोलते हैं अमलगेटेड जिंक। शायद आपको पता है, नहीं पता है मैं बता देता हूं कि जिंक जब भी मरकरी के साथ अलॉय बनाता है, जिंक क्या कोई भी मेटल अगर मरकरी के साथ जुड़ती है तो उसे अमलगम बोलते हैं। तो ये क्या है, अमलगेटेड जिंक है। ऊपर हमने बेस लिया है, यहां पे हमने एसिड लेना है, ये बाकी सेम है। रिपीट करो दोनों की ट्रिक क्या है, एके चला हाईकोर्ट, एके चला हाईकोर्ट मतलब एल्डिहाइड या कीटोन से आप क्या बनाओगे, हाईकोर्ट यानी हाइड्रोकार्बन बनाओगे। इसमें बस्कर हाइड्रोजन मतलब बेस लोगे और हाइड्रोजन लोगे, और इसमें क्या है अगेंस्ट अरुण जेटली मीन्स ZnHg, ये बेस की प्रेजेंस में होती है, ये एसिड की प्रेजेंस में होती है। तो इस तरह से दोनों रिएक्शन हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आप ये जो होती है ये मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स पे होती है एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। आप समझ लीजिए कि एल्काइलेशन में आप लोग रिएक्शन करवाओगे विद CH3Cl एंड एसाइलेशन में आप लोग रिएक्शन करवाओगे विद CH3COCl। समझ लो नहीं समझ लो, इसमें आप करवाओगे एल्काइल हैलाइड के साथ, इसमें आप करवाओगे एसिड क्लोराइड के साथ या एसाइल हैलाइड के साथ करवाओगे। अब ऊपर फ्रीडलक्राफ्ट वर्ड लगा है तो यहां पे आप कैटलिस्ट लोगे एनहाइड्रस AlCl3, ये बात याद रखिए, फ्रीडलक्राफ्ट वर्ड आ गया तो कैटलिस्ट लोगे एनहाइड्रस AlCl3। ओके और नॉट, अब मैं कह रहा हूं एरोमेटिक कंपाउंड्स की होती है यानी कि बेंजीन की होगी, क्लियर। अब इसको पहले तो ब्रेक कर लो, ये CH3Cl ब्रेक किसमें होगा, CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहां पे CH3CO पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव।
अब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो नेगेटिव से लव करने वाले वो अटैक करेंगे, नेगेटिव से लव कौन करेगा पॉजिटिव, मींस ये अटैक करता है, इसने अटैक किया बेंजीन पे, ये बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, बेंजीन के ऊपर लग गया CH3। जब भी बेंजीन पे कोई नया बॉन्ड लगता है बेंजीन से H हटता है, वो CL के साथ जुड़ा, ये क्या बन गया HCl, एंड ये क्या बना आपका टोलुइन, कन्वर्जन आ सकता है, आया हुआ है, कन्वर्ट बेंजीन इनटू टोलुइन। एंड स्टेट बोर्ड के एग्जाम के अंदर तो रिएक्शन आती है फिनाइल क्राफ्ट एल्केलेशन, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, एल्केलेशन मींस CH3Cl C2H5Cl RX के साथ आप रिएक्शन कराओगे, एंड इसमें किसके साथ कराओगे RCOX के साथ, COX COCl हो गया, यहां पे R अटैक फॉर्म करेगा जो यहां का पॉजिटिव है, बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ेगा CH3CO कुछ इस तरह से CO CH3 एंड प्लस में, देखिए बेंजीन पे जब भी कोई नया बॉन्ड लगता है बेंजीन से क्या हटता है H हटता है, वो जुड़ेगा पड़ोसियों के Cl के साथ, ये बन गया HCl, एंड ये क्या बना है हमारा, ये हमारा बना है एसीटोफिनोल। यहां पे कुछ और भी हो सकता था, यहां पे बेंजीन भी हो सकता था, कुछ और C2H5 भी हो सकता था, वो आप कर सकते थे, बाकी मोस्टली यही फेमस है फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलेशन के लिए, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन एंड ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, कैसे करेंगे समझिए। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में आप लोग क्या करते हो, एस्ट्रिफिकेशन ये जो दूसरा नाम दिया गया है ये दिया गया है फिशर्स पायर एस्ट्रिफिकेशन, इसमें आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे RCOOH एंड इसको ट्रीट करोगे विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड कुछ भी हो सकता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इस रिएक्शन का नाम होगा फिशर्स पायर एस्ट्रिफिकेशन, और अगर वो सिंपल एसिड है देन उस रिएक्शन का नाम होगा एस्ट्रिफिकेशन। अब देखिए होगा क्या, इसका OH जाएगा एंड इसका H जाएगा, ठीक है बाहर निकल गया H2O, एंड यहां पे क्या बच गया आपका RCOOR डैश। एग्जांपल आप करना चाहते हो CH3COOH, इसकी रिएक्शन करवा दी आपने विद CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, देन क्या होगा कि यहां से आपका OH जाएगा और यहां से आपका H जाएगा, H एंड OH क्या बन गया H2O बन गया, बाहर निकल गया, एंड यहां पे क्या बचा आपका CH3COOCH3, इस तरह से ये आपका एक एस्टर बन चुका है। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन, आपको एक एस्टर दिया होगा, आप उसे कुछ अलग एस्टर बनाओगे, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, देखिए आपके पास एक एस्टर है RCOOR डैश, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो किसी अलग से अल्कोहल के साथ, यहां पे है ROOH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या होगा ये एक दूसरे की जगह पे ट्रांस चेंज करना है ना, ये इधर आएगा, ये बन जाएगा RCOOR प्लस में ROOH, ये इधर ये इधर, एग्जांपल करते हैं यहां पे दे रखा आपको CH3COOC2H5, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी विद C3H7OH एसिड की प्रेजेंस में हुई, तो ये क्या होगा ये इधर एक दूसरे की जगह पे ये इधर आ गया, ये आपका क्या बन गया CH3COOH, इधर ये C3H7, देखिए पहले यहां पे C2H5 था, अब यहां पे क्या है C3H7, और उधर चला गया C2H5OH, ये हमारी कौन सी रिएक्शन है ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, इसको याद कैसे रखेंगे, सिंपल सी ट्रिक रहेगी, तो तले बेंजल, तले बेंजल ठीक है, क्रोम मिलेगा कल, ये है थोड़ी सी अजीब सी ट्रिक है, रिएक्शन भी अजीब सी ही है ये, तो तले तले मीन्स यहां पर टोलुइन वर्ड, आप टोलुइन लोगे और इससे बेंजल बनाओगे, बेंजल क्या है यहां पे बेंजल्डिहाइड यानी बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा आपका CHO, टोलुइन से आपने बेंजल बनाना है, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रो मिलेगा कल, क्रो मिलेगा कल यहां पे हो रहा है क्रोमिल क्लोराइड के लिए, क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaRO2Cl,
इस तरह से आप कौन सी रिएक्शन कर सकते हो, हिटार रिएक्शन कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारी ये कंडेंसेशन वाली तीन चार रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एंड बेंजोइन कंडेंसेशन। एल्डिहाइड पे लगती है ये सब। देखिए क्या होगा, आप इसमें एक एल्डिहाइड लोगे, उस एल्डिहाइड की कंडीशन ये है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डिहाइड हो गया, दो एल्डिहाइड सी एच ओ, और दोनों के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन तो तब होगा जब इन पे अल्फा कार्बन होगा, तो पहली बात तो अल्फा कार्बन लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए, CH3 CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ये रिएक्शन होने वाली है। तो देखिए होगा क्या, इस CH2 को आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, CH3 C डबल बोन OH लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। एल्डिहाइड को हमने कुछ इस तरह से लिख लिया, प्लस का साइन है, डबल बोन सिंगल में कन्वर्ट हो गया, धर्म निभाते हैं और अपना हाइड्रोजन भेज देते हैं इसके पास, इन्होंने भेज दिया, यहां पे आ गया एच, यहां पे आपका बचा है CH2 CHO, ओके नोट। बट जब इसने इसकी हेल्प की है तो इसके भी बॉन्ड कम हो गए, एक और दो तीन, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए थे, चार। तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, पड़ोसी थे, पड़ोसी ने हेल्प की और ये पड़ोसी से क्या हो चुके हैं, दोस्त बन चुके हैं, पास पास आ चुके हैं, और ये हमारा ना एल्डोल बन चुका है भाई। मैं कैसे कह सकता हूं ये एल्डोल है, ये CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये OH है, अल्कोहल है। अब वैसे रिएक्शन यहां पर हो चुकी है, बट अगर आप आगे करना चाह रहे हो देन क्या करोगे, आप हीट करोगे और उनकी पड़ोसी को, सॉरी इनकी दोस्ती को बदल दोगे किसके अंदर, रिश्तेदारी के अंदर। तो यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, ये हो जाएगा आपका H2O, यहां पे क्या बचा आपका CH3 CH, यहां पे क्या बचा हुआ है CH और यहां पे CHO, इनके बॉन्ड देखिए एक दो तीन, जबकि बॉन्ड कितने चाहिए, चार। तो हमने चार बॉन्ड बना दिए और ये आपका क्या बन चुका है, ई नल बन चुका है, क्लियर हो गया नहीं क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस मतलब आपने अलग अलग एल्डिहाइड लेने हैं। कैसे अलग अलग, देखिए इसमें जो दो एल्डिहाइड थे उनमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन था, बट अब आप जो लोगे इसमें ऐसे लोगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक के पास है एक के पास नहीं है ऐसा, या फिर आप ये कर सकते हो कि दो एल्डिहाइड के टोन को ट्रीट करवा सकते हो, ठीक है। मैं भी ऐसा कर रहा हूं कि दो एल्डिहाइड लिए CHO, यहां पर भी CHO, तो क्या करना है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन कब नहीं होगा, जब कार्बन ही ना हो, अल्फा कार्बन ही नहीं रखते, सिर्फ हाइड्रोजन रख देते हैं, और यहां पे अल्फा कार्बन रखते हैं तो हाइड्रोजन भी आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इसको हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, क्लियर, C डबल बॉन्ड OH, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, OH की प्रेजेंस में हो रही है, क्या होगा, प्लस का साइन, ये डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल में, सी सिंगल बॉन्ड ओ, यहां पे एच। फिर क्या होगा कि देखिए जब ये डबल बॉन्ड सिंगल में बदला तो इस ऑक्सीजन को हो गया लॉस, इसके बॉन्ड कम हो रहे हैं, तो ये अपने पड़ोसी होने का धर्म निभा रहा है, और यहां पर क्या भेज रहा है, हाइड्रोजन, यहां पर बन गया OH, और यहां पर क्या बचा आपका CH2 CHO। बॉन्ड चेक करिए कितने हो रहे हैं, एक दो तीन, इस कारण कितने बॉन्ड हो रहे हैं, एक और दो तीन, तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। पहले इसने अपना हाइड्रोजन भेजा, ये OH बना, और फिर इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया, पड़ोसी से क्या बन चुके हैं, जुड़ के दोस्त बन चुके हैं, पास पास आ चुके हैं। अब अगर आप आगे करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, इसका OH बाहर निकलेगा और इसका H माइनस हो गया H2O, यहां पे क्या बचा CHH, यहां पे क्या बचा CH, और यहां पे CHO। बॉन्ड पूरे कर दो, एक दो तीन, बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी है बेंजोइन कंडेंसेशन। क्या होगा बेंजोइन कंडेंसेशन के अंदर, आप लोग बेंज समझ आ रहा है, बेंजाल्डिहाइड लोगे, दो बेंजाल्डिहाइड लिए, बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहां पे भी बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ एच, बट यहां पे आप NaOH की प्रेजेंस में नहीं कराओगे इसको, इसको आप कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ KCN,
एल्कोहलिक केस ये। देन क्या होगा समझिए, प्लस का साइन है, ये डबल बॉन्ड किस में कनेक्ट होगा, सिंगल में, सी सिंगल बॉन्ड हो यहां पे एच, और ये क्या है फिर इसके बॉन्ड कितने होंगे, एक दो तीन, ये अपने पड़ोसी होने का धर्म निभाएगा, यहां पे हाइड्रोजन भेज देगा, ये हो गया आपका सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पे है बेंजीन। अब देखिए बॉन्ड कितने हो रहे हैं इसके, एक दो तीन, इसके भी एक दो तीन, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए, चार हो गया। अगर आप आगे करना चाहते हो इसको, इनकी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पास OH है बट इसके पास H नहीं है। देखिए अब जितने भी केस हम करते थे, यहां पे OH था, यहां पे H भी था, यहां पे OH था, यहां पे H भी था, यहां पे OH है, यहां पे H नहीं है, तो यहां पे इससे आगे ये नहीं जाएगा, ये आपका किटोल बन गया है। तो ये थी हमारी एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एंड बेंजोइन कंडेंसेशन। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन एंड क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। ये रिएक्शन भी एल्डिहाइड पे लगती है। देखिए आप एक एल्डिहाइड लोगे एंड कंडीशन ये है कि उस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ओके तो कैसे करोगे आप, देखिए ऐसे कर सकते हो, बेंजल्डिहाइड लिया आपने, दो मॉलिक्यूल लिए बेंजल्डिहाइड के इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, जो घटिया बंदे होते हैं, घटिया बंदे ने क्या किया यहाँ पे बंटवारा स्टार्ट करवा दिया, दो भाई थे बेंजल्डिहाइड बिल्कुल सुख चैन से रह रहे थे, बट इसने क्या कर दिया बंटवारा, बंटवारा कैसे हो, देखिए दो बेंजीन के मॉलिक्यूल हैं, ये अलग अलग हो गए हैं, एक बात। दूसरी बात क्या होगी, ये दो कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, ये भी अलग अलग हो गए हैं, बट कार्बन के जाने के बाद स्टार्ट हो गया घपला, घपला कैसे स्टार्ट हुआ, दो हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन एक ने ले लिए, दो ऑक्सीजन थे, दो ऑक्सीजन दूसरे ने ले लिए। अब आपका NaOH, NaOH में से कौन किसके पास जाएगा, OH आ जाएगा यहां पे, Na आ जाएगा यहां पे। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि इसके पास एक भी ऑक्सीजन नहीं था और इसके पास थे, तो इसके पास मैंने NaOH में से क्या भेज दिया, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में से OH भेजा मैंने इसके पास, Na भेजा मैंने उसके पास। अब क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में कैसे करूंगा, क्रॉस नाम से क्लियर है, अलग 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 एल्डिहाइड लोगे बट कंडीशन सेम है कि दोनों के ही पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे, बेंजल्डिहाइड, अच्छा कैसे कह रहा हूं मैं, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, देखिए ये एल्डिहाइड है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से मतलब अल्फा कार्बन है, और बेंजीन के जब किसी ग्रुप पे, किसी पोजिशन पे कोई ग्रुप लग जाता है तो वहां से हाइड्रोजन हट जाता है, तो इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा विद HCHO, ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये एक एलिफैटिक एल्डिहाइड है, इस तरह ये क्रॉस कैनिज़ारो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, जैरो आ गया, इस जैरो ने क्या कर दिया बंटवारा स्टार्ट करवा दिया, बेंजीन अलग, एच अलग, पहला अलग हो चुका, फिर ये कार्बन अलग, कार्बन अलग, और कार्बन के अलग होते स्टार्ट होएगा भेदभाव, भेदभाव कैसे, दोनों हाइड्रोजन एक के पास, दोनों ऑक्सीजन दूसरे के पास, और NaOH में से Na पॉजिटिव कहां जाए, OH नेगेटिव कहां जाए, Na आ गया इसके पास क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है ऑलरेडी, और OH आ गया इसके पास। तो इस तरह से आप कर सकते हो कैनिज़ारो एंड क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये जो अप्लाई होती है एरोमेटिक एस्टर पे अप्लाई होती है, एंड उसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए समझिए एक एरोमेटिक एस्टर कैसे होता है, एरोमेटिक यानी बेंजीन एस्टर कैसे होगा, ओ सी ओ आर, इस तरह से मैं कर सकता हूं, ये आर यहां पे कार्बन हो सकते हैं, आर यहां पे बेंजीन हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड CH2 कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब रीअरेंज करना है हमने इसको, कैसे रीअरेंज करेंगे समझिए, कि ये किसी ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पे चला जाएगा। मान लीजिए मैंने ऑर्थो पोजीशन पे भेज दिया, कैसे, कुछ इस तरह से O, और यहां पे आ गया COR, है कि नहीं, और जब यहां पे कोई नया बॉन्ड आएगा तो यहां से H हटेगा, ये OH इधर आ गया, समझ आई बात, नहीं आ रही है, तो यहां पे एक एल्कोहलिक ग्रुप भी मिल गया हमें, एक कीटोनिक ग्रुप भी मिल गया। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कुछ ऐसे है O CO CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ
एनहाइड्रोसीएल सीएल थ्री सीएच टू की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई। इसको ओ से ब्रेक करोगे आप, ओ से रीअरेंज करोगे कुछ इस तरह से, बेंजीन ओ यहां पर आ गया सीओ सी एस थ्री। अब यहां पे कोई नया बॉन्ड लगा है, बेंजीन पे जब कोई नया बॉन्ड लगता है तो घटता क्या है, हाइड्रोजन ऊपर चला गया। कुछ और कुछ ऐसे भी हो सकता था, ये ओ सी ओ यहां पे क्या लगा हो सकता था, बेंजीन लगा हो सकता था। फिर क्या होता, सेम लेने हैं कंडीशन तो हमने, ओ से टूटेगा ओ इधर और ये सी ओ बेंजीन इधर, नया बॉन्ड लगा है तो यहां से क्या हटेगा, एच हटेगा, वो एच चला गया ऊपर। तो ये हमारी सिंपल सी कौन सी रिएक्शन है, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो नेक्स्ट हमारी है कोल्ब रिएक्शन एंड रेमर टीमर रिएक्शन। ये ऐसी रिएक्शन मतलब ब्रह्मास्त्र है, जिन पर मुझे पूरा भरोसा है कि आती ही है। ओके एंड बहुत बार इसकी ट्रिक डाल चुका हूं मैं, अल्कोहल क्लोर इथर में डाली है, उससे पहले अलग से भी डाली है और उसके बाद भी मैंने अलग से डाली है और अब दोबारा मैं बना रहा हूं। तो ट्रिक सेम ही है, अगर वो आप देख चुके हो तो मतलब आप स्किप कर सकते हो, दो तीन मिनट आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने वो नहीं देखे तो समझिए आएगी 100% स्टेट बोर्ड में तो बिल्कुल आएगी, यहाँ पे जहां पे तीन चार सेट बनते हैं क्वेश्चन पेपर के। ओके बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है कोल्ब रिएक्शन एंड रेमर टीमर रिएक्शन। दोनों ही जो रिएक्शन है वो फिनोल से स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है, फिनोल से। और मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मल्टी स्टेप मतलब कई स्टेप में कई चीजें आपको इसमें ऐड करनी पड़ती है। ये है फिनोल, पहली बार जो आपने इसको स्टार्ट करना है वो करना है बेस से, बेस यानी यहां पे आप डालोगे NaOH, दोनों में ही क्या डाला आपने NaOH डाला स्टार्टिंग की। और जो एंडिंग करनी है वो करनी है एक एसिड से HCl, यहां पे क्या लगेगा HCl। अब बात ये कि बीच में क्या आएगा और होगा क्या इस रिएक्शन के अंदर, कोल्ब्स के अंदर एंड रेमर टीमर रिएक्शन के अंदर। तो एक शॉर्टकट मैंने बताया था आपको, अगर याद है तो, कोल्बे की कार और रामू का आलू। कोल्बे की कार यानी कोल्ब रिएक्शन में हम कार लगाते हैं, कार यानी कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं, यहां पे लग गया कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड जो रेमर टीमर रिएक्शन है उसमें आलू लगाते हैं, आलू यानी आप एल्डिहाइड लगाओगे, यहां पे आपका लग गया एल्डिहाइड CHO। तो यहीं से आपने समझना है कि दूसरी जगह में मैं क्या लगाऊं, ये COO यानी यहां पे आप क्या लगाओगे CO2। एंड ये CH कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बाकी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ CHCl3। रिपीट कर रहा हूं ट्रिक क्या है, कोल्बे की कार रामू का आलू, फिनोल में आप कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ोगे कार जोड़ोगे, इसमें रेमर टीमर रिएक्शन में आप लोग आलू यानी एल्डिहाइड जोड़ोगे। पहला और तीसरा रिएक्टेंट सेम है NaOH, तीसरा HCl, दूसरे वाला आपने याद रखना है, जब COO जोड़ा यानी CO2 जोड़ा, CHO जोड़ा यानी CHCl3 जोड़ा आपने। ओके कि नहीं, नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी रिएक्शन है गैटरमैन कोच रिएक्शन। कैसे करेंगे इसको, इसमें हम बेंजी को कोचिंग दिलाएंगे, बेंजी को कोचिंग दिलवानी है और उनको क्या बनाना है, बेंजर बना देंगे, बेंजी यानी बेंजीन और बेंजल, बेंजल तो कई बार बोल चुका हूं मैं, बेंजल यानी बेंजल डिहाइड। कोच कोच क्या है यहां पे, कोच COHCl की प्रेजेंस में, और क्या लेना आपने एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl, ये भी आपने लेना है इसके अंदर। रिपीट कर रहा हूं, देखिए हुआ क्या है, आपने बेंजीन को क्या बनाना है, बेंजल बनाना है, ये हमारा है बेंजीन, इसमें आप क्या जोड़ोगे COH, ये आपने जोड़ा है इसके अंदर COH, जब जुड़ा है तो ये CHO बन गया, बेंजलडिहाइड बन गया, जब यहां पे लिंक करेगा तो यहां से H हटेगा, वो बनेगा आपका HCl। बाकी कई बुक्स के अंदर ये COHCl नहीं दे रखा आपको, ये आपको दे रखा HCOCl, जब इनको मिला दिया जोड़ दिया COHCl को तो बन चुका है HCOCl, फिर ये लिंक करता है और वहां से H हटता है प्लस में HCl। आपने लेना क्या है एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl, बात याद है कि नहीं है, अगर आपको याद हो गैटरमैन रिएक्शन इससे पहले भी कर चुके हैं हम, याद है कुछ डीसी इनहिबिटर में क्या डाला था, कॉपर कॉपर पाउडर डाला था, बट अब ये कौन से वाला सैंडमैन वाला कैटलिस्ट उठा के आ गया CuCl
सीएल। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन को कैसे रखो, बेंजी को आपने क्या बनाना है, बेंजल बनाना है। तो ये हमारी सारी रिएक्शन कवर होती है किसकी, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। अगर वीडियो आपको रियल में अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट करके बता दीजिए, एंड और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।